السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا ما أذن له إلا ما أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى رب إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يظهر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. तिलावत कलाम पाक बारगाहे
खुदा बंदे आलम में किरत फरमा रहे थे जनाब कारी फरमान अली। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं आज की इस तकरीब सईद के सदर नशीन जनाब ताज हैदर से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और कुर्सी सदारत पर मुतमक्किन हों। जनाब ताज हैदर, उन्हीं के हमरा मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर प्रोफेसर शादाब एहसानी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने नशस्त पे जलवा फरोज़ हों। मुमताज़ दानिश्वर शायर नकाद जनाब फरासत रिजवी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी नशस्त पे विराजमान। डॉक्टर फातमा हसन से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी नशस्त पर तशरीफ़ फरमाऊँ। मैं आगाज़ कर रहा हूँ अल्लामा तालिब जौहरी साहब की एक ख़ूबसूरत किताब हर्फ नमू की इब्तदाई हम से हमद बारी ताला समात फरमाएं। मैं फलक की एक बशारत, मैं ज़मीं की एक निशानी। मैं फलक की एक बशारत, मैं ज़मीं की एक निशानी। इन्हीं बेदलील बातों में गुजार दी जवानी। ना फलक ने की तवज्जो, ना ज़मीं ने हाल पूछा, ना कोई जवाब पाया, ना कोई सवाल पूछा, ना कभी फना पे सोचा, ना कभी मुआल पूछा। मेरी ख्वाहिश धुरू को मेरे तजुर्बों ने जाना, मुझे रास्तों ने फटका, मुझे मंजिलों ने छाना। कभी धूप दश्त दर की, कभी जंगलों का साया, कभी गार की घुपाएं, कभी चांदनी की माया, कभी रूह ने सदा दी, कभी भूत ने डराया। मेरी बेताअल्लुकी ने मुझे हर नफस बचाया, न झुका किसी के आगे, न किसी से खौफ खाया। न झुका किसी के आगे, न किसी से खौफ खाया। न तिलिस्मे सामरी से, न कलीम के असा से, न अमीर बेकरम से, न फ़कीर बेनवा से। न तकब्बुर खुदा से, न तकब्बुर खुदी से, न तसव्वुर खुदा से। सरे राह जिंदगानी मैं चला कलंदराना, मेरे सामने ज़मीं थी मेरी पुश्त पर दमाना। मेरे सामने ज़मीं थी मेरे पुश्त पर दमाना। किसी राह बेजहत में मुझे काहनों ने टोका, किसी समत बे निशा में मुझे फ़लसफ़े ने रोका। कहीं बंदगी का धोखा, कहीं आगही का धोखा। न ज़मीं से कोई मतलब, न गरज कोई जमा से, न रवाबित आसमां से, न इलाका कहकशां से। कभी आबो गिल पे खंदा, कभी हाल दिल पे गिरियां, कभी हम रहो गजाला, कभी हम रही पे नाला। कभी हम रही पे नाला, कभी रज़्म आब खंजर, कभी सर्र बज़्म ताब जौला। हुई राग कितनी सदियां, मगर आज भी है जारी। वही रस में दामो दाना, वही तर्ज जहाँ शिकारी। वही मंदिरों की घंटी, वही काहनों के मंत्र, वही माबदों की दस्तक, वही बुतकदों के पत्थर। न सनम मेरा सहारा, न समद मेरा मुकद्दर। मेरा हर कदम है धोखा, मेरा हर नफस है सपना। न वो मुझ में बस रहा है, वो पराया है ना अपना। मेरे रास्ते के पत्थर ये अरज, ये जिस्म जौहर, ये समंदरों की मौजें, ये सिकंदरों की फौजें, ये इबादतों की रातें, ये रियाजतों की घातें, ये मोहब्बतों के पैकर, ये अदावतों के लश्कर, ये अदावतों के लश्कर। मेरे सर से सेल बनकर ये सभी गुजर चुके हैं, शब तार की लहद में मुझे दफन कर चुके हैं। शब तार की लहद में मुझे दफन कर चुके हैं। मेरे जिस्म जहाँ पे तारी, कोई रमज आशकारा, कोई शोला ए फरोजा, कोई नूर बे नहायत, कोई रूह बेकराना, कोई हस्त जावेदाना।
ये पयाम दे रहा है सरे राह जिंदगानी, मैं फलक की एक बशारत, मैं ज़मीं की एक निशानी, मेरे मैं फसरदा ए हकायक, मैं चकीदा ए मुआनी, मैं वजूद की हकीकत, मैं शहूद की कहानी, मैं अजल की सोज पिन्हा, मैं अबद की शादमानी, मैं ये पयाम दे रहा है सरे राह जिंदगानी, मैं फलक की एक बशारत, मैं ज़मीं की एक निशानी। जनाबे अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम की ये हम्द आपकी समातों की नज़र हुई। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम खाकी नकवी से के वह तशरीफ़ लाएँ और मंजूम अकीदत पेश करें। मैं मौलाना बाकर साहब क़िबला हुसैन मुल्तमिस हूँ के वो नशिस्त पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना बाकर ज़ैदी मौलाना बाकर ज़ैदी के हमरा नौजवान मुहक्किक अदीब और ख़तीब जनाब इर्तिदा अब्बास में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और नशिस्त पे तशरीफ़ फरमाओ। जनाब इर्तिदा अब्बास जनाब सदर और तमाम मोजिज मेहमान ने गिरामी और तमाम हाजरीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम। मैं एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल, ज़मीन ग्रुप और इस तकरीब के तमाम मुंतज़मीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज फिर मुझ नाचीज़ को इन्होंने हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा तालिब जौहरी आलल्लाह मकामहू से मंसूब इस तकरीब में दावत कलाम देकर मुझे अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करने का मौका फरहम किया। अपना मंजूम कलाम पेश करने से कबल मैं अल्लामा साहब के खानवादे, उनके तमाम सामईन और तमाम आलम इस्लाम को उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लामा साहब के इंतकाल पर दुनिया भर में मोमिनीन व आज़ादारान इमाम मज़लूम को इंतहाई सदमा हुआ। इल्मी व अदबी हलकों में भी गम की लहर दौड़ गई। उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहर भर से कसीर तादाद में उनके अकीदत मंदों ने जनाजे में शिरकत की। नमाज जनाजे में अल्लामा साहब की वसीयत के मुताबिक चाहदा मासूमिन की विलायत का इकरार करके उनके अकीदे का भरपूर इजहार किया गया। उस वक्त के माहौल पर नाचीज़ ने ये अशार कलम बंद किए थे, समात फरमाएं। दीदार को सब तालिबे दीदार आए हैं, दीदार को सब तालिबे दीदार आए हैं, करने को मोहब्बत का वो इजहार आए हैं, करने को मोहब्बत का वो इजहार आए हैं। और क्यों मजमाए कसीर पे हैरान है दुनिया, क्यों मजमाए कसीर पे हैरान है दुनिया, जाकिर का जनाजा है आज़ादार आए हैं, जाकिर का जनाजा है आज़ादार आए हैं। हक का प्रचार कर गए तालिब जौहरी, हक का प्रचार कर गए तालिब जौहरी, इश्क का इजहार कर गए तालिब जौहरी, आखिरी वक्त में ऐलान किया मिसले नबी, हर मुकसर पे वार कर गए तालिब जौहरी। और अब ये नज़्म है तालिब जौहरी और कुरान के उनवान से, समात फरमाई। गुफ्तगू करते थे तालिब जौहरी कुरान से, गुफ्तगू करते थे तालिब जौहरी कुरान से, इस कदर उनकी रही वाबस्तगी कुरान से, गुफ्तगू करते थे तालिब जौहरी कुरान से, इस कदर उनकी रही वाबस्तगी कुरान से, अब मुद्दतों देते रहे कुरान फहमी का सबक, मुद्दतों देते रहे कुरान फहमी का सबक, इल्म की तकसीम करके रोशनी कुरान से, इल्म की तकसीम करके रोशनी कुरान से,
और इल्म की महसूस होती थी उन्हें, इल्म की महसूस होती थी उन्हें जब तशनगी, दूर करते थे वो अपनी तशनगी कुरान से। इल्म की महसूस होती थी उन्हें जब तशनगी, दूर करते थे वो अपनी तशनगी कुरान से। और हमको वो तहरीर में तकरीर में आई नज़र, हमको वो तहरीर में तकरीर में आई नज़र। आपको हासिल हुई जो आगही कुरान से, आपको हासिल हुई जो आगही कुरान से। और दुश्मने और अपनी तकरीरों में पढ़कर आयतें कुरान की, अपनी तकरीरों में पढ़कर आयतें कुरान की। बात में करते थे पैदा ताजगी कुरान से, बात में करते थे पैदा ताजगी कुरान से। और दुश्मने हक से कभी कुर्बत रही ना दोस्तों, दुश्मने हक से कभी कुर्बत रही ना दोस्तों। उम्र भर उनकी रही है दोस्ती कुरान से, उम्र भर उनकी रही है दोस्ती कुरान से। और बा अमल आलिम से कुर्बत और तमस्सुक हो अगर, बा अमल आलिम से कुर्बत और तमस्सुक हो अगर, रहनुमाई बिल यकीन मिल जाएगी कुरान से, रहनुमाई बिल यकीन मिल जाएगी कुरान से। और दीन का इरफान खालिक से अता हो जाएगा, दीन का इरफान खालिक से अता हो जाएगा। लो अगर दिल से लगाए आदमी कुरान से, लो अगर दिल से लगाए आदमी कुरान से। और उनका है पैगाम खाकी सारी उम्मत के लिए, उनका है पैगाम खाकी सारी उम्मत के लिए। लीजिए दीन नबी हक्का वली कुरान से। बहुत शुक्रिया जनाब खाकी नकवी, मंजूम खराज अकीदत पेश कर रहे थे अल्लामा तालिब जौहरी को। अपने दोस्त और मुमताज़ दानिश्वर जनाब अकील जाफरी से मल्तमीस हूँ कि वो आगे अगली नशिस्त पे तशरीफ ले आए। जनाब अकील जाफरी। हाजरीन कराम, ये बज़्म, इसकी रौनक और इसकी रानाइयों में जिस शख्सियत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, यकीनन वो अहमद शाह साहब हैं जो इस आर्ट्स काउंसिल के रूह रवा हैं। लेकिन उनके दस्ते बाजू जनाब मंसूर साहिर, जिन्होंने हमें एक एक लम्हे पर इसके इंतज़ाम से आगाह किया। और ख़ुद ब इस्तकबालिया के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मंसूर साहिर से। और मेरी ये भी गुजारिश है कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नज़्म अब से कुछ दिनों पहले यहाँ एक प्रोग्राम में, एक तकरीब में पढ़ी थी, अगर वो नज़्म भी हमारी समातों की नज़र करें। जनाब मंसूर साहिर। मुंह पे जो है हुकूमत ने कहा है वो लगा लें आप, लेकिन हाथ क्लैपिंग आप कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आने वाले तमाम मौजस मेहमानों को बहसियत मेज़बान मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि अबरार भाई ने कहा कि जो महफिल आज आप सजी देख रहे हैं, ये उन महाफिल का तसलसल है जो यहाँ अब बरसों से सजाई जा रही हैं। मंसूर साहिर हो, शकील ख़ान हो, अज़द बुखारी हो, या दीगर यहाँ काम करने वाले गवर्निंग बॉडी के अराकीन हो, हम सब ऐसे चांद हैं जो अपने उस सूरत से रोशनी कशीद करते हैं, लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, हौसला पाते हैं, जिसका नाम मोहम्मद अहमद शाह है। चूंकि आज महफिल अल्लामा साहब की है, तो अल्लामा साहब के हवाले से बात करना यकीनन बकौल आलिया इमाम के सूरज को चराग दिखाने और फूलों पर इत्र मरादिफ है। लेकिन जब हमने इस प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू की अबरार भाई से,
और फिर इसका जिक्र शाह साहब से किया। असल में बुनियादी नुकता यह कि आज हम महफिल जहां कर रहे हैं ये आर्ट्स काउंसिल है, और आर्ट्स काउंसिल को आर्ट्स काउंसिल बनाने में अहमद शाह का किरदार इतना इतना बड़ा है कि बनती नहीं है सागर व मीना कहे बगैर। तो या तेरा तस्करा करे हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू ना करे। तो बात हमारे, हमें जो हौसले मिलते हैं शाह साहब से जब जिक्र किया, उन्होंने पीठ थपथपाई कि बेटा ये तो फौरन कर लो, इतना बड़ा आदमी है और उसकी इतनी जहतें हैं, आप उन्हें निकालो। तो ये हम ताजियती रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम एक डिस्कवर कर, एक नई चीज आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनकी अदबी खिदमात की गुफ्तगू हो रही है। अल्लामा साहब की शायरी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक नए तालिब जौहरी से रूशनास होंगे, वो जो दिल पे चोट का जिक्र कर रहा है, जो दरिया और समंदर की बात कर रहा है, जो तिनके और पहाड़ की बात कर रहा है, और फिर एक तालिब जौहरी जो मैंने देखा और मुस्कुराया, वो बच्चों की नज़में लिख रहा है। और जो शख्स बच्चों के बारे में सोचता है वो बच्चों के बारे में लिखता है। तो ये तसलसल हमारे पास भी शाह साहब की सूरत में मौजूद है। यूथ के लिए जितना काम मोहम्मद अहमद शाह साहब ने किया है और कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चिराग हैं, जल रहे हैं। अल्लामा साहब के हवाले से जब हम लोगों ने तय किया कि हमने इनकी शायरी पे बात करनी है, अदबी खिदमत पे बात करनी है, तो हमारे लिए नए दरीचे वाह हुए। यहाँ जो मसनत नशीं हैं वो इतने बड़े लोग हैं कि मैं अपना बहुत छोटा कद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रहबर, मेरे लीडर की दी हुई जो हौसला है मुझे, जो उनका दिया हुआ जज्बा मेरे अंदर है काम करने का और दिए से दिया जलाने का, तो हमने एक और दिया जलाने की कोशिश की है। हमने आज असल में अल्लामा साहब का मजहबी काम इतना ज़्यादा और इतना बुलंद है कि उनके जो बाकी काम हैं वो कहीं छुप जाते हैं। हमने आज एक काम को आपके सामने रखा है, उनकी अदबी खिदमात पर बात करने की कोशिश की है, ये जसारत की है, ये बताने की कोशिश की है कि जब आप अल्लामा साहब की शायरी का मुतालिया शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लामा तालिब जौहरी एक बहुत बड़ा आलिम दीन और जाकिर ही नहीं, एक बहुत बड़ा शायर भी था। वस्सलाम। नज़्म का हवाला था कि यकताए, लेकिन ये जिंदा लोगों की महफिल है तो जिंदगी जो है वो इससे कम से कम बता। यकताए फन की सारी महारत सुपुर्द खाक। अल्लामा साहब को अगर आप जहन में रखेंगे तो शायद इस नज़्म का कुछ बेहतर लुत्फ ले सकें कि यकताए फन की सारी महारत सुपुर्द खाक, बस याद रह गई है ज़ियारत सुपुर्द खाक। यकताए फन की सारी महारत सुपुर्द खाक, बस याद रह गई है ज़ियारत सुपुर्द खाक। उल्फत का आफ्ताब ज़मी बोस हो गया। फरासत भाई, उल्फत का आफ्ताब जमी बोस हो गया, करनी पड़ी है हमको मोहब्बत सुपुर्द खाक। करनी पड़ी है हमको मोहब्बत सुपुर्द खाक। उल्फत का आफ्ताब जमी बोस हो गया, करनी पड़ी है हमको मोहब्बत सुपुर्द खाक। आलिम था, बामल था, जरी था, शहीर था। आलिम था, बाअमल था, जरी था, शहीर था। दिल रो रहा है करके शुजात सुपुर्द खाक। दिल रो रहा है करके शुजात सुपुर्द खाक। और बिछड़ा जो हमसे शख्स फसीओ बलीग था। बिछड़ा जो हमसे शख्स फसीओ बलीग था। खुद नौजवान मुहक्किक, अदीब और ख़तीब जनाब इर्तिदा अब्बास हैं, मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने तशीस पे
नशीस पे तशरीफ फरमाओ जनाब इर्तज़ा अब्बास। जनाब सदर और तमाम मौजूद मेहमान ने गिरामी और तमाम हाजरीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम। मैं एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल, ज़मीन ग्रुप और इस तकरीब के तमाम मुंतज़मीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज फिर मुझ नाचीज़ को इन्होंने हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा तालिब जौहरी आलल्लामा मकामहू से मंसूब इस तकरीब में दावत कलाम देकर मुझे अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करने का मौका फरहम किया। अपना मंजूम कलाम पेश करने से कबल मैं अल्लामा साहब के खानवादे, उनके तमाम सामईन और तमाम आलम इस्लाम को उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लामा साहब के इंतकाल पर दुनिया भर में मोमिनीन व आज़ादारान इमाम मज़लूम को इंतहाई सदमा हुआ। इल्मी व अदबी हलकों में भी गम की लहर दौड़ गई। उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए शहर भर से कसीर तादाद में उनके अकीदतमंदों ने जनाजे में शिरकत की। नमाज जनाजे में अल्लामा साहब की वसीयत के मुताबिक चाहदा मासूमिन की विलायत का इकरार करके उनके अकीदे का भरपूर इजहार किया गया। उस वक्त के माहौल पर नाचीज़ ने यह अशार कलम बंद किए थे, समात फरमाएं। दीदार को सब तालिबे दीदार आए हैं, दीदार को सब तालिबे दीदार आए हैं, करने को मोहब्बत का वो इजहार आए हैं, करने को मोहब्बत का वो इजहार आए हैं। और क्यों मजमाए कसीर पे हैरान है दुनिया, क्यों मजमाए कसीर पे हैरान है दुनिया, जाकिर का जनाजा है आज़ादार आए हैं, जाकिर का जनाजा है आज़ादार आए हैं। हक का प्रचार कर गए तालिब जौहरी, हक का प्रचार कर गए तालिब जौहरी, इश्क का इजहार कर गए तालिब जौहरी। आखिरी वक्त में ऐलान किया मिसले नबी, हर मुकस्सिर पे वार कर गए तालिब जौहरी। और अब ये नज़्म है तालिब जौहरी और क़ुरान के उनवान से, समात फरमाई। गुफ्तगू करते थे तालिब जौहरी क़ुरान से, गुफ्तगू करते थे तालिब जौहरी क़ुरान से, इस कदर उनकी रही वाबस्तगी क़ुरान से। गुफ्तगू करते थे तालिब जौहरी क़ुरान से, इस कदर उनकी रही वाबस्तगी क़ुरान से। अब मुद्दतों देते रहे क़ुरान फहमी का सबक, मुद्दतों देते रहे क़ुरान फहमी का सबक, इल्म की तकसीम करके रोशनी क़ुरान से, इल्म की तकसीम करके रोशनी क़ुरान से। और इल्म की महसूस होती थी उन्हें, इल्म की महसूस होती थी उन्हें जब तशनगी, दूर करते थे वो अपनी तशनगी क़ुरान से। इल्म की महसूस होती थी उन्हें जब तशनगी, दूर करते थे वो अपनी तशनगी क़ुरान से। और हमको वो तहरीर में तकरीर में आई नज़र, हमको वो तहरीर में तकरीर में आई नज़र, आपको हासिल हुई जो आगही क़ुरान से, आपको हासिल हुई जो आगही क़ुरान से। और दुश्मने और अपनी तकरीरों में पढ़कर आयतें क़ुरान की, अपनी तकरीरों में पढ़कर आयतें क़ुरान की, बात में करते थे पैदा ताजगी क़ुरान से, बात में करते थे पैदा ताजगी क़ुरान से। और दुश्मने हक से कभी कुर्बत रही ना दोस्तों, दुश्मने हक से कभी कुर्बत रही ना दोस्तों, उम्र भर उनकी रही है दोस्ती क़ुरान से, उम्र भर उनकी रही है दोस्ती क़ुरान से। और बा अमल आलिम से कुर्बत और तमस्सुक हो अगर, बा अमल आलिम से कुर्बत और तमस्सुक हो अगर, रहनुमाई बिल यकीन मिल जाएगी क़ुरान से, रहनुमाई बिल यकीन मिल जाएगी क़ुरान से। और दीन का इरफान खालिक से अता हो जाएगा,
दीन का इरफान खालिक से अता हो जाएगा। लो अगर दिल से लगाए आदमी कुरान से, लो अगर दिल से लगाए आदमी कुरान से, और उनका है पैगाम खाकी सारी उम्मत के लिए, उनका है पैगाम खाकी सारी उम्मत के लिए। लीजिए दीन नबी हक्का वली कुरान से। बहुत शुक्रिया जनाब खाकी नकवी। मंजूम खराज अकीदत पेश कर रहे थे अल्लामा तालिब जौहरी को। मैं अपने दोस्त और मुमताज़ दानिश्वर जनाब अकील जाफरी से मुल्तमिस हूँ कि वो आगे अगली नशिस्त पे तशरीफ़ लें। जनाब अकील जाफरी। हाज़रीन कराम, ये बज़्म इसकी रौनक और इसकी रानाइयों में जिस शख्सियत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, यकीनन वो अहमद शाह साहब हैं जो इस आर्ट्स काउंसिल के रूह रवा हैं, लेकिन उनके दस्ते बाजू जनाब मंसूर साहिर जिन्होंने हमें एक एक लम्हे पर इसके इंतज़ाम से आगाह किया, और खुतबा इस्तकबालिया के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मंसूर साहिर से। और मेरी ये भी गुजारिश है कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नज़्म अब से कुछ दिनों पहले यहाँ एक प्रोग्राम में एक तकरीब में पढ़ी थी, अगर वो नज़्म भी हमारी समातों की नज़र करें। जनाब मंसूर साहिर। मुंह पे जो है हुकूमत ने कहा है वो लगा लें आप, लेकिन हाथ क्लैपिंग आप कर सकते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहैसियत मेज़बान मैं खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि अबरार भाई ने कहा कि जो महफिल आज आप सजी देख रहे हैं, ये उन महाफिल का तसलसल है जो यहाँ अब बरसों से सजाई जा रही हैं। मंसूर साहिर हो, शकील खान हो, अस्जद बुखारी हो, या दीगर यहाँ काम करने वाले गवर्निंग बॉडी के अराकीन हो, हम सब ऐसे चांद हैं जो अपने उस सूरत से रोशनी कशीद करते हैं, लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, हौसला पाते हैं, जिसका नाम मोहम्मद अहमद शाह है। चूंकि आज महफिल अल्लामा साहब की है, तो अल्लामा साहब के हवाले से बात करना यकीनन बकौल आलिया इमाम के कि सूरज को चराग दिखाने और फूलों पर इत्र मलने के मुतरादिफ है। लेकिन जब हमने इस प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू की अबरार भाई से, आसिफ एजाज भाई से, और फिर इसका जिक्र शाह साहब से किया, असल में बुनियादी नुक्ता यह कि आज हम महफिल जहां कर रहे हैं ये आर्ट्स काउंसिल है, और आर्ट्स काउंसिल को आर्ट्स काउंसिल बनाने में अहमद शाह का किरदार इतना बड़ा है कि बनती नहीं है सागर व मीना कहे बगैर। तो या तेरा तस्करा करे हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू ना करे। तो बात हमारे, हमें जो हौसले मिलते हैं शाह साहब से जब जिक्र किया, उन्होंने पीठ थपथपाई कि बेटा ये तो फौरन कर लो, इतना बड़ा आदमी है और उसकी इतनी जहते हैं, आप उन्हें निकालो। तो ये हम ताजियती रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम एक डिस्कवर कर, एक नई चीज आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनकी अदबी खिदमात की गुफ्तगू हो रही है। अल्लामा साहब की शायरी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक नए तालिब जौहरी से रूशनास होंगे, वो जो दिल पे चोट का जिक्र कर रहा है, जो दरिया और समंदर की बात कर रहा है, जो तिनके और पहाड़ की बात कर रहा है, और फिर एक तालिब जौहरी जो मैंने देखा और मुस्कुराया, वो बच्चों की नज़में लिख रहा है, और जो बच्चों के बारे में सोचता है वो बच्चों के बारे में लिखता है। तो ये तसलसल हमारे पास भी शाह साहब की सूरत में मौजूद है। यूथ के लिए जितना काम मोहम्मद अहमद शाह साहब ने किया है और कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चराग हैं,
जल रहे हैं। अल्लामा साहब के हवाले से जब हम लोगों ने तय किया कि हमने इनकी शायरी पे बात करनी है, अदबी खिदमत पे बात करनी है, तो हमारे लिए नए दरीचे वाह हुए। यहाँ जो मसनत नशीं हैं वो इतने बड़े लोग हैं कि मैं अपना बहुत छोटा कद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रहबर, मेरे लीडर की दी हुई जो हौसला है मुझे, जो उनका दिया हुआ जज्बा मेरे अंदर है काम करने का और दिए से दिया जलाने का, तो हमने एक और दिया जलाने की कोशिश की है। हमने आज असल में अल्लामा साहब का मजहबी काम इतना ज़्यादा और इतना बुलंद है कि उनके जो बाकी काम हैं वो कहीं छुप जाते हैं। हमने आज एक काम को आपके सामने रखा है, उनकी अदबी खिदमात पर बात करने की कोशिश की है, ये जसारत की है, ये बताने की कोशिश की है कि जब आप अल्लामा साहब की शायरी का मुतालिया शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लामा तालिब जौहरी एक बहुत बड़ा आलिम दीन और जाकिर ही नहीं, एक बहुत बड़ा शायर भी था। वस्सलाम। नज़्म का हवाला था कि यकताए, लेकिन ये जिंदा लोगों की महफिल है तो जिंदगी जो है वो इससे कम से कम बता। यकताए फन की सारी महारत सुपुर्द खाक। अल्लामा साहब अगर आप जहन में रखेंगे तो शायद इस नज़्म का कुछ बेहतर लुत्फ ले सकें कि यकताए फन की सारी महारत सुपुर्द खाक, बस याद रह गई है ज़ियारत सुपुर्द खाक। यकताए फन की सारी महारत सुपुर्द खाक, बस याद रह गई है ज़ियारत सुपुर्द खाक। उल्फत का आफ्ताब ज़मीं बोस हो गया। फरासत भाई, उल्फत का आफ्ताब ज़मीं बोस हो गया, करनी पड़ी है हमको मोहब्बत सुपुर्द खाक। करनी पड़ी है हमको मोहब्बत सुपुर्द खाक। उल्फत का आफ्ताब ज़मीं बोस हो गया, करनी पड़ी है हमको मोहब्बत सुपुर्द खाक। आलिम था, बामल था, जरी था, शहीर था। आलिम था, बामल था, जरी था, शहीर था। दिल रो रहा है करके शुजात सुपुर्द खाक। दिल रो रहा है करके शुजात सुपुर्द खाक। और बिछड़ा जो हमसे शख्स फसीओ बलीग था। बिछड़ा जो हमसे शख्स फसीओ बलीग था। खुद साथ हो गई है फिरासत सुपुर्द खाक। खुद साथ हो गई है, खुद साथ हो गई है फिरासत सुपुर्द खाक। और वो दीदावर था रोते हुए इस चमन की। वो दीदावर था, वो दीदावर था, अब नहीं होते पैदा भाई दीदावर, वो दीदावर था रोते हुए इस चमन ने की। बरसों की एक अजीम रियाजत सुपुर्द खाक। बरसों की एक अजीम रियाजत सुपुर्द खाक। और साहिर वो शख्स खाके दरे बूतराब था। साहिर वो शख्स खाके दरे बूतराब था। मौला की बेमिसाल अमानत सुपुर्द खाक। जज़ाकअल्लाह। जनाब मंसूर साहिर, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ और बहुत ही खूबसूरत ख्यालात के साथ अपने ख्यालात हमारे जहनों में मुंतकिल कर रहे थे। और साहिर भाई ने इस महफिल को सजाने में जो किरदार अदा किया है वो हम समझते हैं कि एक इतना खूबसूरत किरदार है कि उसको जितनी भी पिजीराई की जाए वो कम है साहिर भाई के लिए। दूसरी बात ये है, हाजरीन इकराम,
कि हमने अपने बड़े लोगों को या मस्जिदों में दफना दिया है या इमामबाड़ों में। हम उन्हें बाहर निकालना ही नहीं चाहते। लिहाजा ये आर्ट्स काउंसिल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मकाम है जहां से हर तबके फिक्र का इंसान यहां आता है, हर नुक्ता नज़र का इंसान यहां आता है, और जब वो यहां आता है तो उसके जहन में किसी भी किस्म का ऐसा तासुब मौजूद नहीं होता कि जो इंसानों में तफरीक और तकसीम का बाइस बनता हो। लिहाजा मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रूह रवां जनाब अहमद शाह साहब और उनके अहबाब, खुसूसन ज़मीन ग्रुप के लोगों ने जब इसको मुनक्किद करने के लिए मुझसे राबता किया, मुझसे बात की, तो मैं यकीन माने कि अल्लामा तालिब जौहरी जो यहाँ लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं कि मेरा उनसे क्या ताल्लुक़ था, ताल्लुक़ है, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है ये ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। और हमें चाहिए कि बड़े लोगों को हमेशा फ़िक्र के हवाले से देखें, फ़र्द के हवाले से ना देखें। अल्लामा तालिब जौहरी की फ़िक्री हवाला एक ये है कि एक शेर उनका इतना हसीन है कि अगर पूरी किताब सामने रखी जाए और वो एक शेर अगर आप पूरी रात बैठकर सोचते रहें तो यकीन माने कि उसकी गुत्थियां सुलझेंगी नहीं, बल्कि ख्यालात का एक वसी समंदर जो है आप उसके अंदर जो है तैरते हुए नजर आएंगे। उनका शेर है कि जहां कहीं इल्म की कनात ने वहम के हौसले बढ़ाए, जहां कहीं इल्म की कनात ने वहम के हौसले बढ़ाए, वहीं ताकुल की मुखबरी ने गुरूर तोड़ा है बंदगी का। मैं इस बज़्म के इनकाद में वाकई जिसने सबसे बड़ा किरदार अदा किया और इस आर्ट्स काउंसिल के रूह रवां जनाबे और हम सब के अजीज तरीन दोस्त जनाबे अहमद शाह साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो मसनद पे तशरीफ़ लाएं। जनाबे अहमद शाह साहब, और गो के ये महल भी नहीं है, ये मकाम भी नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं और मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद का सिलसिला जारी है, मैं अहमद शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ज़रिए ख्यालात से हमें नवाजें। जनाब अहमद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मसनद बिल्कुल, मकाम बिल्कुल मेरा मुनासिब है कि जितने स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये आलिम हैं, और मोहतरम ताज इधर मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर फातिमा हसन बैठी हैं, शादाब हसानी, फरासत रिजवी, तो मेरे ख्याल में तो इससे भी पहले मेरा मुकाम आ जाता तो मुझे कोई मसला नहीं था। अकील अब्बास जाफरी साहब सामने बैठे हुए हैं, अल्लामा साहब बदकिस्मती से मेरी बस ज़्यादा मुलाकातें अल्लामा साहब से नहीं हुई, लेकिन अल्लामा साहब को मैं पढ़ता था, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए और एक बहुत नुमाया नाम अल्लामा साहब का, अल्लामा तालिब जौहरी साहब का, चाहे मजहबी चाहे अदबी हवाले से हो, फ़लसफ़े के हवाले से हो, मंतक के हवाले से हो। अभी हम यही बात कर रहे थे, शादाब हसानी बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे, बल्कि फरासत रिजवी अभी कह रहे थे, हम वहाँ बैठे चाय पी रहे थे और बात हो रही थी कि यार सारे बड़े लोग मर गए तो अब जीने से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं रह गई। तो अल्लामा साहब ने ज़ाहिर है एक आलिम की, कभी भी हमें ये तो कहना नहीं चाहिए कि वो शायर भी थे, अदीब भी थे, वो बहुत बड़े शायर थे, तीन किताबें हैं उनकी और बहुत उम्दा, और उनके वालिद साहब मुस्तफ़ा जौहर साहब खुद इतने बड़े शायर थे, तो खानवादा तो वही था और शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी जो नुमाया शनाख्त है वो एक आलम दीन की शनाख्त है। और उनका जो सबसे शानदार काम है वो इताद बैनुल मुस्लिमीन के सबसे बड़े हामी थे, वो शिया सुन्नी और जितने भी फिका इस मुल्क में हैं वो चाहते थे कि सब एक मरकज़ पे जमा हों। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये अल्लामा साहब
को हमें एक याद इस तरह से भी याद रखना चाहिए कि जब भी यहाँ कोई फितना हो, जब भी कोई आपस में मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जाए, तो जितने अलामा तालिब जौहरी को के मानने वाले और उनके इल्म को जानने वाले हैं, उन सब का फ़र्ज़ है कि अलामा साहब की जो तरबियत थी, अलामा साहब का जो इल्म था, कोशिश करें कि यह तफरका कम अज़ कम आपस में हम ना फैलाएँ। और जो भी किया, कमाल किया उन्होंने, उनकी तालीम देखें, कितने बड़े लोगों के साथ इराक में किस किस के साथ वो रहे, दुनिया के सबसे बड़े लोगों के साथ उनकी तालीम हुई, और उनके जो उस्ताद थे या उनके साथ के लोग थे, वो ऐसे लोग थे कि मैं समझता हूँ कि हमेशा वो बाकी रहेंगे, और कमाल वो था। और तालिब जौहरी साहब को मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी जो पसीराई मिलनी चाहिए थी मिली, जो मकाम मिलना चाहिए था मिला, और जब तक इल्म बाकी रहेगा, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, अलामा तालिब जौहरी साहब का नाम एक नुमाया नाम के तौर पर बाकी रहेगा। तो इसीलिए हमने आपस में भी तय किया कि आम तौर पे तो ज़ाहिर है कि अलामा साहब को हम समझते ही नहीं हैं कि वो यहाँ से चले गए हैं, जब तक उनकी किताबें बाकी हैं, जब तक उनका लिखा हुआ बाकी है, जब तक उनका कहा हुआ बाकी है, अलामा साहब हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, हमारे बाद आने वाली नस्लों में, उसके बाद आने वाली नस्लों में, जब तक करबला बाकी है, जब तक इमाम हुसैन बाकी है, और इमाम हुसैन उस वक्त तक है जब तक ये दुनिया है, जब ये दुनिया नहीं रहेगी, इमाम हुसैन और उसकी आल और नबी उस वक्त भी होंगे, और उसकी शफाअत में भी शायद आपको उनकी ज़रूरत पड़े। तो ये जो रिश्ता है आपका नबी के खानवादे से, आले मोहम्मद से, और इमाम से, और इमाम के चाहने वालों से, और इमाम की मदा करने वालों से, और इमाम के बारे में लिखने वालों से, और उससे मोहब्बत करने वालों से, ये रिश्ता जब तक आप ख़ानदान यजीदिया से आपका ताल्लुक नहीं है, और मैं समझता हूँ उंगलियों पर गिना जा सकता है, और मैं उन सारे लोगों पर लानत भेजता हूँ जो यजीद के मानने वाले हैं, जो हुसैन के ख़िलाफ़ हैं, जो आले नबी के ख़िलाफ़ हैं, मुझे कोई आर नहीं है। ये बात का मसला है, शिया सुन्नी और राफी मालकी शाफी, कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता जो आले नबी से मोहब्बत ना करता हो, उनकी इज़्ज़त ना करता हो। और अलामा तालिब जौहरी इस ज़माने में ये जो काम उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि अलामा तालिब जौहरी को सलाम पेश करना चाहिए। और बहुत काम ऐसा है जो अकील अब्बास जाफरी और बाकी ऐसे लोग कर सकते हैं जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कि अलामा साहब के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, कुछ सेमिनार किए जा सकते हैं उनकी मुख्तलिफ जहतों पर, क्योंकि वो बहुत ही देखें हमारे हम बहुत पिगमीज बोनों की सोसाइटी में रहते हैं। हमसे पहले जो लोग होते थे कैसे लोग थे, प्रोफेसर करार हुसैन जैसे आदमी हमारी सोसाइटी में थे, जोश मलियाबादी जैसे लोग हमारी सोसाइटी में थे, वो उस्ताद भी थे, वो आलम भी थे, वो फ़लसफ़े के भी आलम थे। और पहले ज़माने में जब ये कॉलेज वॉलेज इस तरह के नहीं होते थे, तो वहाँ आपको मकतब में पढ़ाई जाती थी ये सारी चीज़ें, आपको मैथमेटिक भी पढ़ाया जाता था, फ़लसफ़ा भी पढ़ाया जाता था, मंतक भी पढ़ाई जाती थी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इत्तेफाक़ से अब हमने अब जो तालीम का सिलसिला शुरू किया है, ये नौकरी हासिल करने की तालीम का सिलसिला है, इंसान को एक मुअज़्ज़ब इंसान बनाने का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है हमारी मदरसे। तो मैं ताज भाई से भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटियों के भी निसाब बदलने चाहिए, हमारे स्कूलों के भी निसाब बदलने चाहिए, हमारे कॉलेजेस के भी निसाब बदलने चाहिए। और उसके अंदर ये अब आप देखें, फ़लसफ़े में हम जब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो फ़लसफ़े में, उर्दू में सिर्फ वो लोग, फ़रासत रिज़वी साहब ने फ़लसफ़ा पढ़ा है और वो अपना गोल्ड मेडल भी इनको मिला था। फ़लसफ़ा अब सिर्फ वो आदमी पढ़ता है कि जिसको किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिलता, तो चला जाता है कि यूनिवर्सिटी में रहूँ फ़लसफ़ा, यानी जो उम्मुल उलूम जो चीज़ है उसको पढ़ने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। तो ये एक मसला है। हम जब याद करते हैं तालिब जौहरी साहब जैसे लोगों को, जब यहाँ पर ये मजलिस होती है, तो इसका मतलब है कि इस अदारे के वक़ार में कुछ इजाफा होता है। तो मैं तो खुश हूँ ना जब भी इसका जो जिसका मैं
आप सब ने मिल के मुझे एक मसनद पे बिठाया है आपकी खिदमत करने के लिए, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किस बात को होगी, किसको हो सकती है कि अलामा साहब की यहाँ तकरीब हो और इस अदारे का वक़ार बुलंद हो। मैं समझता हूँ कि आज की ये एक बहुत अहम ऐसी तकरीब हुई है जिससे इस अदारे का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, अहमद शाह साहब ने बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज में अल्लामा तालिब जौहरी की शख्सियत और उनके किरदार पर रोशनी डाली और उनके नज़रिए पर भी रोशनी डालते हुए उनको बहरहाल ये साबित करने की कोशिश की कि अल्लामा तालिब जौहरी एक इंसान दोस्त, इंसान परवर और इंसानियत शनास इंसानियत शनासी रखने वाली शख्सियत थे। मैंने एक दफ़ा अल्लामा साहब से दरियाफ्त किया, अल्लामा साहब आप मसलकी एतबार से ये हैं और गुफ्तगू आपकी इस तरह होती है, तो उन्होंने फरमाया कि एक बात याद रखो कि इल्म का कोई मज़हब नहीं होता, इल्म का मज़हब सिर्फ इंसानियत होती है। उन्होंने उसकी मिसाल मुझे ये दी कि मुझे ये बताएं अबरार साहब, ये जो बल्ब है, इस बल्ब का कोई बनाने वाला है, उसकी कोई कौम भी होगी, वो कोई ज़बान भी बोलता होगा, उसका कोई मज़हब भी होगा, वो कोई अकीदा भी रखता होगा, लेकिन क्या उसने बल्ब बनाते वक्त ये सोचा था कि ये बल्ब मेरी कौम, मेरी ज़बान या मेरे मज़हब या मेरे मसलक के लिए होगा? ये बल्ब पूरी दुनिया की इंसानियत को रोशनी देता है, इसलिए इल्म ना मज़हब की कैद में होता है, ना फ़िरकों की कैद में होता है, ना कौमियतों और ज़बानों की कैद में होता है। ये उनका ख़ूबसूरत तरीन नज़रिया था और यकीनन अक्सर वो कहा करते थे कि यार ये जो सेकुलर लोग हैं मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, जब वो सेकुलरिज्म की तारीफ़ बयान करते थे तो सेकुलरिज्म के मायने हमारे यहाँ लिए जाते हैं लादीनियत के, लेकिन वो कहते थे भाई ये तारीफ नहीं है, सेकुलरिज्म के मायने हैं हमादीनियत, लादीनियत नहीं है, हमादीनियत है। और इस वक्त जहां हम बैठे हैं ये हमादीनियत का मरकज है, यहां हर मसलक से, हर मजहब से, हर सोच रखने वाले जो तबके से लोग हैं वो यहां तशरीफ फरमा है। मैं जो लोग तशरीफ लाए हैं शब्बर भाई और अल्लामा अथर साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आगे तशरीफ ले आएँ। और जैसा कि मुकर्ररीन यहाँ सारे तशरीफ़ फरमा है, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरमा फ़ातिमा हसन से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मोहतरमा फ़ातिमा हसन ने हमारी आवाज़ पर लबैक कहा और फौरन जो है वो गुफ्तगू के लिए, चूँकि उनका कल्बी, ज़हनी और एक ऐसा अल्लामा साहब से ख़ानदानी रिश्ता भी है कि वो उनको बयान करने में उनको कोई आर नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। जनाबे मोहतरमा फातिमा हसन, कम से कम क्लैपिंग में जो है वो कंजूसी ना, बहुत अरसे के बाद तो क्लैपिंग का मौका आया। साहिब सदर मोहतरम भाई ताज हैदर, मौलाना बाकर जैदी साहब, स्टेज पर बैठे हुए फाजिल मुकर्ररीन और यहाँ तमाम हाजरीन, मुझे इस वक्त अबरार साहब ने कहा कि मैं अल्लामा पर गुफ्तगू करूँ। ये एक इनका फौरी फ़ैसला था, मैं तो यहाँ रोज़ होती हूँ, यहाँ की अहमद शाह साहब ने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया है कि मैं यहाँ एक लाइब्रेरी और आर्काइव कायम करूँ जिसमें हमारे जाने वालों की, खुसूसन जो अमानतें छोड़ जाते हैं अपनी किताबों की शक्ल में, वो महफूज हो जाएं। किताबें यूं भी हमारी अमानतें हैं, खा वो
صحیفوں کی شکل میں ہو یا تصنیفات کی شکل میں ہو، ہمیں اگلی نسلوں تک انہیں منتقل کرنا ہے، اور ان کے لکھنے والے انہیں ہم، میں بالکل متفق ہوں احمد شاہ صاحب سے، اور ابھی جو بات عمران بھائی نے بھی کی کہ جب ہم علم پھیلاتے ہیں تو ہم روشنی پھیلاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روشنی، یہ چراغ کس کے ہاتھ میں ہے، ہماری نظر تو صرف روشنی پر ہوتی ہے، اور روشنی کا بہت بڑا منبع وہ کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، جو مخطوطات کی شکل میں ہیں، جو مطبوعات کی شکل میں ہیں، ہمیں انہیں محفوظ کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک مشن میں نے بھی بنایا ہوا ہے ان کتابوں کو محفوظ کرنے کا، کیونکہ میں آستانہ قدس میں صرف یہ دیکھنے بھی گئی تھی امام رضا کے در پہ حاضری کے ساتھ کہ وہاں مخطوطات اور ساری دنیا کے علم کو کس طرح محفوظ کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو سیکھ کر آئی ہوں اس کی ہلکی سی کوششیں میں یہاں بھی کر رہی ہوں، انجمن میں جتنے، انجمن ترقی اردو پاکستان میں جتنے مخطوطات ہیں ان کو روشن انسٹیٹیوٹ آف پرشین لینگویج اینڈ میوزیم اور میری لینڈ یونیورسٹی کے ہل لائبریریز اینڈ میوزیم محفوظ کروا رہی ہے اپنے ہی خرچے پر، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اب سب مخطوطات محفوظ ہو جائیں گے، یہاں بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو مخطوطات اور کتابیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، اور میں چاہوں گی، یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ صاحب علم، اور خصوصاً ارتضاء کا مجھے پتہ ہے کہ ان کو مخطوطات سے خاص دلچسپی ہے، اور یہ ان پر تحقیقی کام بھی کرتے ہیں، شاداب احسانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں انجمن کے، اور ہمارے فراست رضوی صاحب بھی، یہ وہ لوگ ہیں، عقیل عباس خاص طور سے تحقیق کے ہیں، کہ آپ لوگ جہاں بھی یہ محسوس کریں کہ کوئی مخطوطہ ایسا ہے جسے محفوظ کرنا ہے، اور علامہ اقبال، علامہ طالب جوہری کی جو ڈائریاں ہیں، جو مینسکرپٹس ہیں، جو مسودے ہیں، اگر وہ مل جائے تو انہیں امانتاً ہمیں دیجئے، ہم اس کو ڈیجیٹائز کر کے آپ کو واپس کر دیں گے، رکھیں گے نہیں، لیکن انہیں محفوظ کروا دیجئے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اب میں یہاں کچھ باتیں وہ کروں گی جو دوسروں نے بھی کی، اور جو علامہ صاحب کی شخصیت کو زیب بھی دیتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک مضمون پڑھ رہی تھی ناصر عباس نیر کا، اور اس کا عنوان تھا گروہی بیگانگی، مکالمے کی موت اور ادب۔ ابھی ہمارے بھائی احمد شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی، ابھی ابرار صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم سب گروہی بیگانگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ پہلے ہمارے ہاں ادیبوں میں اور شاعروں میں ایک وجودی بیگانگی پائی جاتی تھی، اور بہت خوبصورتی سے وہ اس کا اظہار کرتے تھے۔ وجودی بیگانگی کی حد تک تو یہ قابل قبول ہے، اور شعرا کے ہاں ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خود علامہ کا ایک شعر ہے جو میں یہاں پہ پڑھوں گی کہ میں دیار قاتلاں کا ایک تنہا آدمی، میں دیار قاتلاں کا ایک تنہا آدمی، ڈھونڈنے نکلا ہوں خود اپنا ہی جیسا آدمی، ڈھونڈنے نکلا ہوں خود اپنا ہی جیسا آدمی۔ تو مولانا کو اپنے جیسے کہاں ملتے ہیں؟ وہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا، اور جب علم کی اور دانش کی اس سطح پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ خود تھے علامہ طالب جوہری صاحب، تو وہاں یقیناً وہ تنہا ہو جاتا ہے، مگر وہ اپنی تنہائی میں محصور نہیں ہوتا، بلکہ گروہ کو اپنی طرف لاتا ہے اور اپنے علم میں حصہ دار بناتا ہے، اپنی دانش کو اس تک منتقل کرتا ہے، خواہ وہ تحریر کی صورت میں ہو، یا تقریر کی صورت میں ہو، یا مکالمے کی صورت میں ہو۔
अब अफसोस ये हो रहा है कि हमने मुकालमा ख़त्म कर दिया है, और मुकालमा ख़त्म करने के लिए हमने जो बहाना तराशा है वो गिरोही बहाना है। यानी कोई मसलक का गिरोह बना रहा है, कोई ज़बान का गिरोह बना रहा है, कोई मज़हब का गिरोह बना रहा है, कोई सिन्फ का गिरोह बना रहा है। मैं देख रही हूँ कि बड़ी तेज़ी से ऐसी महफिलें ख़त्म हो रही है जिसमें ख़वातीन को बुला के किसी इल्म व दानिश की बातें उनसे सुनी जाए। तो ये गिरोह बंदियाँ क्यों हैं? हम क्यों गिरोही बेगांगियत का शिकार है? हम क्यों नहीं वो इल्म हासिल करते जो दूसरे आलिम से हमें मिल सकता है? वो आलिम खा किसी कोने में बैठा हो, किसी गोशे में बैठा हो, ये हमारा काम है कि हम उसे तलाश करें, उस तक पहुँचें। इसी शहर में बहुत से आस्ताने थे जहाँ से हम जाते थे और मुकालमा करते थे। वहाँ उस वक्त कोई नहीं ये सोचता था कि अल्लामा रशीद तराबी का मसलक क्या है, हम उनकी मजलिस में क्यों जाएं, या ये नहीं सोचता था कि बाबा जहीन शाह ताजी क्या फरमा रहे हैं, उनकी उनका कौन सा सूफ़ी मसलक है, किस आस्ताने से हम वाबस्ता होने जा रहे हैं। क्योंकि ये वाबस्तगी नहीं, ये वाबस्तगी इल्म की वाबस्तगी होती थी, इसमें कहीं मसलक कहीं फ़िरका नहीं आता था। और फिर एक और जो हम लोगों ने अपने ऊपर तारी कर लिया है और जिसकी वजह से हमारी सकाफत को नुकसान पहुंचा है, वो है ज़बान की वाबस्तगी से गिरोही वाबस्तगी बनाना। अब आप ये बताइए कि इल्म अगर किसी और ज़बान में लिखा गया है, अरबी में लिखा गया है या अंग्रेज़ी में लिखा गया है, लैटिन में लिखा गया है या फारसी में लिखा गया है, हमें इस बुनियाद पर हम उससे अपनी वाबस्तगी क्यों ख़त्म कर रहे हैं कि ये दूसरी ज़बान का है, या अपने ही वतन की मुतअद्दिद ज़बानों में लिखा गया है, वो शाह लतीफ़ भटाई की शायरी हो या अल्लामा तालिब जौहरी का कलाम हो, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनसे अपने आने वाली नस्लों को बहरामंद करना चाहिए और उन्हें मुताले की तरफ रागिब करना चाहिए। यहाँ पर ताज हैदर भाई बैठे हुए हैं, इनके वालिद जनाब करार हुसैन साहब, अगर पाकिस्तान में सिर्फ चंद सच्चे दानिश्वर का नाम लिया जाए तो उनमें कोई ऐसा फ़र्द नहीं होगा जिसे ज़रा भी इल्म व दानिश हो, वो करार साहब का नाम नहीं लेगा। और करार साहब कभी किसी गिरोही वाबस्तगी का शिकार नहीं हुए, वो इन सब से मावरा थे, और दानिश्वर इन सब तासुबात और असबियत से पाक होता। उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद आता है, उन्होंने कहा है कि किसी भी कौम के पास उसकी शनाख्त के लिए दो ही शय होती हैं, दो ही वजह होती है, एक उसकी सकाफत और दूसरी उसका दिफा। कौम को बरकरार रखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सकाफत और दिफा। और अगर सकाफत ना हो तो दिफा की भी ज़रूरत नहीं है, आप किस चीज़ का दिफा करेंगे। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा सकाफती विरसा है वो है हमारी आज़ादारी। ये जो महफिल है आज़ादारी की, ये पूरे बर्रे सगीर की सकाफत है। ये हिंदू भी करता था, बर्रे सगीर का इसमें हिस्सा लेता था, इसमें सुन्नी भी होते थे, शिया भी होते थे और क्रिश्चियन भी होते थे। सारे बर्रे सगीर के अफराद यकसा इन सकाफती रसूमात को बजा लाते थे जो मुहर्रम में होते हैं। मज़हब तो वही है, उसूल मज़हब तो वही है, उसूल दीन तो वही है सबके, जो हम है जो तयशुदा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह। लेकिन ये जो सकाफत है, इस सकाफत से हम बहुत कुछ सीखते थे, और हमारे जो उलमा थे वो सिर्फ मज़हब के बातें नहीं करते थे। आज भी हमारे पास ऐसे उलमा हैं जो अदब के
लिहाज से और ख़ास तौर से इसी एतबार से मैं अल्लामा तालिब जौहरी को की बेतहाशा इज़्ज़त करती थी और मैं कभी कभी उनके दर पे हाज़िरी देती थी और जब भी मैं जाती थी यही अंदाज़ उनका भी है अल्लामा अकीलुल गरवी का कि जब भी उनके पास गए तो उन्होंने अदब पर गुफ्तगू की, शायरी पे गुफ्तगू की, हमारा मजमूए कलाम तलब किया, अपना मजमूए कलाम हमें दिया। तो ये इन लोगों की बड़ाई थी कि ये हमें अदब से करीब रखते थे और जो भी अदब से करीब रहेगा वो इंसानियत से करीब रहेगा, वो इंसानियत के आला तरीन सतह से करीब रहेगा। अल्लामा इकबाल इसलिए ज़िंदा हैं आज तक कि उनका ज़िक्र होता है, अल्लामा तालिब जौहरी भी ज़िंदा रहेंगे कि उनका ज़िक्र होता रहेगा। अगर उनकी ज़ाकरी का ज़िक्र होगा तो वो तो है अपनी जगह, लेकिन उनके अशार ज़बान जद आम होंगे और हो रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लामा की शायरी पर बाकायदा काम होना चाहिए। यहाँ शादाब एहसानी साहब बैठे हैं, उनकी शायरी पर रिसर्च होनी चाहिए और उस पर पीएचडी की सतह का काम होना चाहिए उनकी शायरी पर। और मुझे खुशी है कि आर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक अच्छी इल्मी महफिल सजाई गई, हमें अपने बुजुर्गान को, अपने उन लोगों को जिनका हम पर एहसान है, जिन्होंने हमें इल्म का विरसा अता किया है, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनका एतराफ़ करना चाहिए उनकी खिदमात का और करते रहना चाहिए। और मुझे कभी कभी ये मैं अपना शेर आखिर में पढ़ूंगी कि कितने अच्छे लोग थे, क्या रौनकें थीं उनके साथ, जिनकी रुख्सत ने हमारा शहर सूना कर दिया। मोहतरमा डॉक्टर फातिमा हसन को आपने समाअत फरमाया और यकीनन यहाँ आने वाला कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लामा साहब की हिकमत, बसीरत, इल्म से वाकिफ ना हो। और ये ज़हनी सतह की बात है कि कौन किस सतह तक अल्लामा साहब को समझ सका। हमारे दरमियान शेयर डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबरा इकबाल हैदर अम्मू तशरीफ़ लाए हैं, जनाब तंजीम आज़ा से जनाब शहजाद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हमारे कैसर भाई यहाँ मौजूद हैं, कौमी महाज़ आज़ादी की ख़वातीन विंग की सदर जनाब सबीन फातिमा मोहतरमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शब्बर रज़ा जो जाफरी अलायंस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, लेकिन इन सब से हटकर वो एक इल्म दोस्त हैं और हमारी रहनुमाई भी करते हैं, दोस्ती भी है। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लामा तालिब जौहरी साहब पर गुफ्तगू फरमाएँ। और वक्त अगर होता या अगर होगा तो मैं अभी फरहान रज़ा साहब से जाके बात करूँगा कि अगर वो कुछ बाद में, तो जनाब शब्बर रज़ा औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतान अलीम रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। सारी तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्गो बरतर उलम यज़ाल के लिए और दुरूद व सलाम उसके मुस्तफ़ा मुश्तबा मुर्तज़ा बंदों के लिए। जनाब सदर महफ़िल सेनेटर ताज हैदर साहब, जनाब अल्लामा सैयद बाकर हुसैन जैदी साहब, अल्लामा इर्तज़ा साहब, हमारे फरासत साहब भाई, हमारे मोहतरमा फातिमा साहिबा और ये तमाम अफराद जो मेरे सामने बैठे हैं और मेरी पोस्ट पे अबरार भाई खड़े हैं, ये तमाम के तमाम वो अफराद हैं कि जिनके सामने ज़बान को हरकत करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए अभी से जो है कि एक तो सर्दी की वजह से और इन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी की वजह से ज़बान ने साथ छोड़ दिया, लेकिन चंद जुमले ज़रूर कहूँगा क्योंकि मेरी बड़ी पुरानी यादें अल्लामा तालिब जौहरी साहब से रही हैं। और चूँकि यहाँ पर अदबी शख्सियात
मौजूद हैं और अदब के हवाले से बात हो रही है, और बाद शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो कि हम जहद शख्सियत की मालिक होती हैं, और उनके अंदर अगर आप देखें कि हर चीज़ पे उन मलका हासिल होता है। अगर आप खिताबत के मैदान में देखें, चाहे शायरी के मैदान में देखें, चाहे तफसीर के मैदान में देखें, हर जगह अल्लामा साहब ने अपना, खाली ये नहीं कि जो है कि खाली वो एक मुफस्सिर थे, जब अगर उन्होंने तफसीर करना शुरू की तो वहाँ के ऊपर जो है कि इतना बड़ा नाम फहमुल कुरान के अंदर आकर जो है कि अपना अपने आप को पेश किया। जब आप मेंबर पे तशरीफ़ लाए तो आपने जो है कि वो खिताबत के जौहर दिखाए कि मैं समझता हूँ कि तारीख़ खिताबत के अंदर बहुत कम अफराद हैं जो कि इस मंजिल के ऊपर पहुँचें। और फिर अगर आप शायरी में देखते हैं तो आपको आज भी शोरा तो नज़र आते हैं मगर कसीदा गो शायर कम नज़र आते हैं, लेकिन अल्लामा साहब वो थे जो कसीदा गो शायर थे, जिसको अदब के अंदर जो मकाम है, जो शोरा बैठे हैं वो मेरी बात की तायद करेंगे कि जो कसीदे को आज भी एक अदब की दुनिया में इस सन्फ को, कसीदा गोई को जो फ़ख्र हासिल है और जो मुश्किल तरीन कहलाया जाता है, आजकल लोग मदा करते हैं और मदा करने के साथ आपको मनकबतें मिलती हैं, मगर कसीदा गोई शायर, कसीदा गोई करना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि आज के माशरे में ये पहचानना भी मुश्किल है कि जो है कि कसीदा क्या है और मनकबत क्या है, तो इसलिए लोगों को मालूम ही नहीं कि कसीदा गो शायर कितनी मुश्किल से बनता है। तो अल्लामा तालिब जौहरी साहब कसीदा गो शायर, दो मरसिए अल्लामा साहब ने कहे, आप सोचें जो कि क़ुरान के ऊपर इतनी दस्तरस रखता हो उसके लिए शायरी करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन आपको बस एक वाक़या सुनाऊं और आपकी ज़हमतें यकीनन किया करते थे, साल में एक ही मजलिस होती थी पूरी इटली के अंदर, रोम उसका कैपिटल था और वहां के ऊपर वो मजलिस मुनक़द होती थी। और अनामा साहब 1988 के अंदर वहां पर मजलिस के अंदर खिताब करने तशरीफ लाए और मेरी खुशनसीबी थी कि मैं भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने भरपूर सूरह रोम के ऊपर जो है कि तकरीर की, लेकिन चूंकि यहाँ के ऊपर उनकी तकरीर या उनकी खिताबत के ऊपर गुफ्तगू नहीं करना, इसलिए मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ। जब ये ख़त्म हो गया, मजलिस ख़त्म हो गई तो और हम लोग खाने के ऊपर बैठे, उस जमाने में आगा खलीली साहब थे जो कि इंडिया के एम्बेसडर थे, आगा खलीली साहब इंडियन एम्बेसडर थे और जर्मनी से पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनका नाम था, मेरे अगर हाफजे में सही है, रफीक नाम था, वो ज़ियाउल हक़ के जो है कि कुछ रिश्तेदार भी थे वो, और जो है कि वो किस मिजाज के होंगे आप ये भी समझ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो है कि कही नहीं है, कुछ चीज़ें आप खुद समझ जाए। वो भी वहां पर मौजूद थे, जर्मनी से आए थे इस मजलिस अटेंड करने के लिए, और खुद इटली के अंदर जो एम्बेसडर थे वो भी मौजूद थे, ईरान के जो एम्बेसडर थे वो भी वहां पर मौजूद थे, और तमाम लोगों के सामने अल्लामा तालिब जौहरी दरमियान में बैठे थे। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि मजलिस के बाद जब बात होती है घराने की तो घराने जिसका घराना है उसकी भी बात जरूर होती है, तो अल्लामा तालिब जौहरी साहब बेख्तियार जो है जो ईरानी एम्बेसडर थे उनके सामने कहा कि मैं जो इंसानियत के, इंसानियत में पहला जो नागपुर शायर है उसके चंद शेर सुनाता हूं, और अरबी के अंदर उन शेरों को सुनाना शुरू कर दिया। अब कुछ जमाने में मैं इतना या तो मैच्योर नहीं था, उम्र भी ऐसी नहीं थी कि सब चीज़ें हाफजे में महफूज हों, लेकिन अल्लामा साहब ने कुछ, खलीली साहब ने कहा कि देखिए अल्लामा साहब हमारी कुछ समझ आया कुछ नहीं, इतने सारे हमारे अहबाब बैठे हैं
तमाम सुफरा हैं, तमाम सफ़ीर थे, तमाम लोग थे, और जो वहाँ पर एक वहाँ के ऊपर फाओ के एक वहाँ वो भी आए हुए थे, प्रेसिडेंट भी, वो भी बैठे थे। तो अल्लामा साहब इसका तर्जुमा कर दें, आप यकीन करें कि उसी वक्त अल्लामा साहब ने मंजूम तर्जुमा दो अशार का कर दिया। ये चीज़ होना किसी आम आदमी के बस में नहीं है। हो सकता है अरबी के अंदर वो पढ़ दे और फिर उर्दू में तर्जुमा भी कर दे, लेकिन उसी वक्त बैठे बैठे जो है कहने लगे दो शेर कर देता हूँ, और क्योंकि आप लोग खाने के ऊपर भी बैठे हैं, उन्होंने फौरन मंजूम तर्जुमा किया। तो आगा खलील साहब ने फौरन उठकर उनकी पेशानी का बोसा लिया और उनसे कहा कि जो है कि ये सिर्फ आप ही का तुर्रा इम्तियाज़ है जो कि आप ये फौरन अदायगी है, वरना किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि जो कि फौरन खिताबत के मैदान से उतरे और फौरन जो है उसका मंजूम तर्जुमा इतनी जल्दी कर दिया जाए। और उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लामा साहब की शख्सियत खाली अभी 10-20 साल में नहीं, मैंने तो आपको 32 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 32 साल पहले जो है कि ये उनका उरूज था। और आप सोचें कि 32 साल पहले ही की बात भी बताऊँगा कि हम लोग वर्टिकन सिटी गए। वर्टिकन सिटी जो है वो जहाँ के ऊपर पोप रहता है, यानी जो आप समझे हमारे लिए जिस तरह मुसलमानों के लिए काबा या मक्का मौजमा है, उस तरह वर्टिकन सिटी है। और वहाँ के ऊपर वो चर्चेज़ हैं जो कि ख़ास तौर के ऊपर उन जनाब हज़रत ईसा के उन हवारियों से मंसूब हैं जो कि उनके साथ हुआ करते थे। अल्लामा साहब ने बग़ैर किसी गाइड के हमें बताना शुरू कर दिया कि ये चर्च इस वजह से मशहूर है, ये चर्च इस वजह से मशहूर है, ये इस चर्च की ये खासियत है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा आलिम हमने इस दुनिया से खो दिया, ऐसी शख्सियत खो दी कि जो खाली कुरान व मंतिक व हदीस व फ़लसफ़े के ऊपर उबूर नहीं था, बल्कि उन्होंने हर सिंफ के अंदर इतनी मलका हासिल था कि वो जहाँ खड़े हो जाते थे ऐसा लगता था कि वो इल्म के दरिया बहा रहे हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हाज़रीन इकराम, यहाँ आने वाला हर मुकर्रर अपनी ज़हनी और फ़िक्री इस्तेताअत के मुताबिक जो कुछ अल्लामा साहब से मुतालिक जानता है वो आपके गोश गुजार कर रहा है। और यकीनन ये एक इतना बड़ा समझ लें कि काम है जो हर आदमी अदा नहीं कर सकता, और ये किसी एक शख्सियत की ज़ात का इतना बड़ा मज़हर है कि उस पर गुफ्तगू करने के लिए कई गोशे मौजूद हों और हर आदमी एक नए रुख से एक नई बात करता हो। और वो चूँकि अल्लामा साहब एक हमा जह शख्सियत थे, लिहाजा उनकी जहतें इतनी ज़्यादा हैं कि उन पर जितनी गुफ्तगू की जाए वो हम समझते हैं कि बहुत कम है। जनाबे अनीस अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये अल्लामा साहब के उन दोस्तों में से हैं, उन रफ़ीक़ों में से हैं जो अल्लामा साहब की इब्तदाई खिताबत से उनके साथ हैं, और जितनी मालूमात इनको अल्लामा साहब की ज़ात का इदराक इन्हें है शायद यहाँ बैठे हुए किसी शख्स को हो। डॉक्टर प्रोफेसर काज़मी साहब को, रज़ा काज़मी साहब को अपना थीसिस पढ़ना था, चूँकि कोरोना ने बहुत से लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो घरों से ना निकलें लिहाजा वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अनीस अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और जनाब रज़ा काज़मी साहब का कि वो तहरीर हमारी समातों की नज़र करें जो उनके हवाले की गई। अस्सलाम वालेकुम। मौज़्ज़ज़ तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जो सामने तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब को आना था और वो ये तकरीर आपको अपनी ज़बानी कहते या बहरहाल तहरीरी जो भी मेरे में नहीं, मगर शाम में उनका टेलीफोन आया और वाकई जब मैं गया अभी ये तकरीर लेने के लिए तो खासे
मिजाज उनके बरहम थे, ये नासाज कह लीजिए, ये बरहम कह लीजिए, जो भी। तो ये तकरीर उन्होंने दे दी और मेरा भी इस पर निगाह, एक निगाह डालने का भी मुझे वक्त नहीं मिला है अब, जैसे भी मैं पढ़ सका। बहरहाल इसलिए कि डॉक्टरों के, ख्वाब वो PhD डॉक्टर हों, ख्वाब वो तिब के डॉक्टर हों, सब नुस्खे ही लिखते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हत्तर इम्कान कम से कम गलतियों के साथ आपके सामने, और ये हमारे बरदर मोहतरम ने जो मेरे रवाबित बताए वो शख्सी रवाबित, वो इल्मी हस्ती थे और यकीनन उनके मुख्तलिफ कमालात और जौहर मैंने देखे, मगर उसके लिए तवील वक्त चाहिए। और जब ये तकरीर मैं पेश कर रहा हूँ तो कोई गुंजाइश नहीं बनती कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ उनके बारे में आपकी खिदमत में पेश करूँ। वो कसीरुल जहद शख्सियत थे और ऐसी शख्सियतें अब पैदा नहीं होंगी शायद, अदब के हवाले से, इल्म के हवाले से, हदीस के हवाले से, तकरीर के हवाले से, इल्म कलाम के हवाले से, वगैरह वगैरह, उनके बहुत सारे हवाले हैं। बहरहाल ये पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر الالباب ما شاء الله। सूरह ज़ुमर की आयत वाफी हिदायत सिर्फ सरनामा कलाम नहीं, इस आलिम जलील कदर की अता का उन्वान है। वो खुद इस आयत की तफसीर करते तो वो जो अमर है कुल उसके रमूज से आशना करते। हमें बेशतर अहबाब ने उन्हें बरसरे मिंबर देखा है, मिंबर से जो इल्म फरोग पाता है वह इबलाग के तकाज़ों से, वक्त के तकाज़ों से महदूद हो जाता है। जब खलबत में होते तो मगरबी फ़लासफ़ा और मुतकल्लमीन के अफकार पर रोशन डालते, वो सेंट अगस्टिन के ज़्यादा मारूफ अफकार में दिलचस्पी नहीं लेते। ईसाई मुतकल्लमीन में सेंट एंसलीम 1109 से 1133 तक यानी 1109 से 1133 के अफकार पर रोशनी डालते, खुसूसन उनके ऑन्टोलॉजिकल दलील पर। सेंट एंसलीम का यह मारूज़ा कि इंसानी जहन किसी ऐसी हस्ती का तसव्वुर कर सकता है जिससे ज़्यादा अजीम कोई हस्ती मुतसव्विर नहीं होती, और चूँकि ये अजीम तरीन हस्ती सिर्फ जहन में महसूर नहीं हो सकती इसलिए इसका वजूद खारजी लाजमी है। सेंट असलीम ने कहा, अगर हम किसी ऐसी हस्ती का तसव्वुर करना चाहें जिससे बाला कोई हस्ती नहीं है तो ऐसी हस्ती सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रह सकती। इसके बरखिलाफ उनके मरासले बर्टेंड रसल से भी रही जिसने इल्लतुल इलल की दलील को हतमी मानने से इनकार कर दिया था, और ज़िमनन बता दूं कि इकबाल ने भी इनकार किया था। मेरे इन चंद जुमलों से आप बेचैन हो गए, बताइए अगर इन जैसे निकात की सराहत सरकार अल्लामा तालिब जौहरी बरसरे मिंबर करते तो आप मुतहम्मिल होते। इन मबाइस की जुज़वी तशरीह के खातिर उन्होंने अपना पहला मरसिया वजूद बारी के उन्वान से तसनीफ़ किया, जिसकी ये कलीदी बैत आपको याद रह गई होगी। हर चीज़ इस्तार है, उम्मीद व बीम है, इस पर यह इद्दा है कि आलम कदीम है। मैंने इस तना मरसिए पर जदीद मरसिए में अलहदा बाब कायब करना ज़रूरी जाना, जो रसायात तालिब जौहरी में नकल हुआ है। उनके दूसरे मरसिए पर मैं सिर्फ चंद सतरें लिख सका हूँ जिसे मैं आखिर में सुनाऊँगा। मुख्तसर सी सोहबत है, ज़रा खलबत की बातें बता दूँ। मसलन तंजीमुल मकातिब की बुनियाद उनकी ख्वाबगाह में रखी गई। अल्लामा तालिब जौहरी अलील थे इसलिए अपने कुतुब खाने में हाजिर नहीं हो सकते थे। मौलाना गुलाम अस्करी, मौलाना ज़ीशान हज़रत जवादी, मौलाना हारून के दामाद, यहाँ मौलाना रज़ी जाफ़र, मौलाना ओन मोहम्मद जैदी सब उनकी खागाह में जमा थे और उनकी अलालत के बास उनकी तायद के बग़ैर पेशरफ्त करना नहीं चाहते थे। खलबत की बात आ गई तो बता दूँ कि क़याम नजफ़ के ज़माने से ही उन्होंने मजालिस के मसौदे तैयार करना शुरू कर दिए थे। एक सफ़ा जिसे पढ़ने के लिए 5 दकीकों से ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो घंटे घंटे भर की मजालिस पढ़ते। उनमें चंद आयात, चंद नुकात तफसीर होते जिससे कोई दूसरा फ़र्द हजम इल्म को बढ़ा नहीं सकता था। खलबत की बात ये भी सुनिए कि एक बार मैंने उन्हें एक एल्बम पेश किया, कहने लगे आप लाए हैं तो आप भुगतिए। अलमारी से अल्लामा तालिब जौहरी ने वो असनाद निकाले जो उन्हें नजफ़ से, अशरफ से मिले थे, और मुझे ये सआदत अता की कि मैं उन्हें तरतीब से सजा दूँ। जब क़िबला क़ैद में थे, ज़िल्लाह सदर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की क़ैद में, तो उसी वक्त लोग उस अंचोली की सड़कों पर जहाँ बाद में उनका क़याम हो गया, अल्लामा तालिब जौहरी मुज्तहिद नहीं है ये कहते थे कि ये मुज्तहिद नहीं है, ये भी कह रहे थे कि चूंकि इस्लामी नज़रियाते कौंसिल से उन्हें 3000 रुपये मिलते हैं
लिहाजा वो हुकूमत के तरफदार हैं, उस हुकूमत के तरफदार हैं जिसने उन्हें कैद कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के वक्त में मौजूद था बरादरान अहले सुन्नत का एक वफद भी मौजूद था, SHO शाहिद सफदर भट्टी नाम था, ने अल्लामा तालिब जौहरी से जब उज़्रखाना लहजे में कहा कि वो मौलाना आसिफ कासमी को गिरफ़्तार करके आए हैं, गिरफ़्तार करने के बाद यहाँ आए हैं, तो इस वफद ने इस बात पर तशवीर का इजहार नहीं किया कि अल्लामा तालिब जौहरी को गिरफ़्तार किया जा रहा है, बल्कि खुश हो रहे थे कि आसिफ कासमी गिरफ़्तार हो गए। देखिए सोबत का असर वक्ती तौर पर सही होता है। मैंने क़िबला से पूछा, क़िबला कोई हुक्म? कहने लगे कोई हुक्म नहीं। SHO मज़ाहमत के तमाम महावरों से आगाह था, मुझे घूरने लगा। जब क़िबला व काबा को एक गाड़ी में बिठाया जा रहा तो मैंने सवाल दोहराया, उन्होंने जवाब दिया, अल्लामा तालिब जौहरी बहुत जुरतमंद आदमी थे, मैंने हर कोशिश की कि मैं आपको जहमत न दूँ, आपने ये महफिल अल्लामा तालिब जौहरी के अदबी कमालात के एजाज़ में सजाई है, आपका शुक्रिया, मगर बाज़ हलकों ने उनकी नाकदरी और दिल आज़ारी की जो मिसालें कायम की उन्हें याद करके मैं दिल गिरफ्तार हो जाता हूँ। 3000 रुपये माह तो वो अपने जलसाज को दे देते थे। इन गुनहगार कानून कद अफजाई का ये जुमला सुना, अच्छी मजलिस तो हर कोई पढ़ सकता है, प्रोफेसर करार हुसैन अल्लाह मकामो और जनाब रशीद रिजवी सल्लमो गवाह हैं कि मैं 1970 से इस्लामी तारीख पढ़ा रहा हूँ, आप ख़ुद बताइए क्या मैं अच्छी मजलिस पढ़ सकता हूँ। अल्लामा तालिब जौहरी ने जबरन मुझसे सलाम कहलवाए, मेरे सलाम मुसद्दस हाली तो हैं नहीं, जो मैं उसका सवाब उन्हीं को रखियो गालिब मुझे इस तक माई से नवाही से माफ़। अब सूरह यूनिस की आयत शुमार 100 के आखिरी फ़िरके पे गौर करें, वयजल्लाहु रिस अलल्लज़ीन ला याक़िलून, ताक़ुल के लिए जो हुक्म इलाही है उसी के तहत अक़लियात मआसिर शाय हुई, इसलिए मुझे इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं कि इल्म तफसीर में दो जल्दें अहसनुल हदीस इस इल्म में एक नादिर इजाफ़ा हैं। इसी तरह हदीस करबला उर्दू ज़बान का मुफसल मुक़त्ता है, रिवायती इल्म दो जिलों में रहता ही था, जदीद तारीखी तादील भी आप हदीस करबला में पाएंगे। मैंने आपके मुकर्रा मौजू से पहलू तही नहीं किया, अल्लामा तालिब जौहरी की बैत है, दीन व अदब के बीच की सरहद है दोस्तों, ये दरसगाह आले मोहम्मद है दोस्तों। जब बैरून मुल्क से कोई आलिम आता मुझे अपने साथ ले जाते, मौलाना आगा रूही, मौलाना कल्ब सादिक, मौलाना ताहिर जरवली, हाँ जब मौलाना नक्कन साहब तशरीफ लाए तो अशर मुहर्रम का आगाज़ हो चुका था, तकदीम ना कर सके। यहाँ तक कि 6 मुहर्रम को मौलाना सैयद अली नकी नक्कन साहब क़िबला खुद नश्तर पार्क आ गए। अल्लामा तालिब जौहरी ने कहा कि तारीख बताती है कि मासूम फर्श अज़ा पर बैठा और ख़तीब को मिंबर पर भेज दिया। उन्होंने मौलाना नक्कन साहब के कई रिसालों से ज़बानी हवाले बरजस्ता तौर पर दिए, लेकिन मसाइब जो पढ़े तो प्यास के बारे में इतने फयाज और इतने मोहतात। रही उनकी शायरी, अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर अलैहिस्सलाम क़ामो जो वाहिद आलिम थे जिनका जिक्र बा एहतराम मैंने जोश मलियाबादी और जमील मजहरी दोनों से सुना है। आयतुल्लाह अकबरुल ग़रीबी शहर के शायकीन को जमील मजहरी के कलाम से मानूस कर चुके हैं। इस हकीर के नाम अल्लामा जमील मजहरी का आखिरी ख़त अल्लामा तालिब जौहरी के हमराह आया था। उन्होंने लिखा, कुछ चीज़ें अज़ीज़ सईद व मुकर्रम तालिब जौहरी सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के हाथ जा रही हैं, तालिब सल्लल्लाहु का कलाम सुनने के बाद अब तो और भी ये जी चाहता है कि मर जाऊँ, जीऊँगा तो बच्चों के हाथों पगड़ी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये ख़त आयतुल्लाह अकील ग़रीबी के ज़ेर इशाद कायनात अल्लामा जमील मजहरी में शाये हो चुका है। ये सब 40 साल उधर की बातें हैं, अब मैं सूरज को चिराग क्या दिखाऊँ, जो चंद सतरें 30 साल पहले लिखी थी वो पेश करता हूँ। हरफ नमू से मुतालिक अल्लामा तालिब जौहरी की शख्सियत के जज्बाती पहलू का इजहार है कि कम से कम उसका ज़ाहरी मकसद यही नज़र आता है। गज़ल की क्लासिकी शायरी से मुमताज़ जो बंजारा नुमा शख्सियत यहाँ उभरती है वो बज़ात खुद रूमानी है। हुस्न फितरत से उनकी वाबस्तगी उनकी ज़ात का एक अहम हिस्सा है, इसके बावजूद हरफ नमू में तालिब जौहरी शहूद के नहीं गैब गैब के शायर नज़र आते हैं। यानि पहले मरसिया वजूद बारी में जो मसाइल ज़ेर बहस आए थे वो साए की तरह उनके साथ रहे हैं। इससे आगे मेरा कलम न चल सका। हाँ जनाब अनीस अब्बास रिजवी गवाह है, मेरी शेर गोई आयतुल्लाह तालिब जौहरी के हुक्म का नतीजा है। इन मुख्तसर रशार पर आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। भर गए हर जुरा तफसीर में बादाए इल्हाम तालिब जौहरी, थी गजाली से सिवा मोहकम दलील हुज्जतुल इस्लाम तालिब जौहरी, दौलत मिल्लत की खातिर किस कदर
सहगए आलाम तालिब जौहरी, पेश रो उनकी हदीसे करबला है खुश अंजाम तालिब जौहरी, है लम अब्बास का साया फिगन या करो आराम तालिब जौहरी। ये जनाब उनकी तकरीर मैंने आपकी खिदमत पेश कर दी, बहुत शुक्रिया हज़रात। बहुत शुक्रिया जनाब अनीस अब्बास। और अनीस अब्बास साहब से तो हम वैसे भी गाए बगाए जब मिलते हैं तो अल्लामा साहब के उस माजी को जानने की कोशिश करते हैं जो हमसे पोशीदा है, इसलिए कि ये ना सिर्फ उनकी खिलवत के बल्कि उनके उन मामलात से भी वाकिफ़ हैं जो अल्लामा साहब के अक्सर लोगों को नहीं मालूम कि अल्लामा साहब ना सिर्फ ये कि शायर, मुकर्रर, खतीब, सारी जो जहतें उनकी हैं वो सामने, लेकिन एक जहत कि वो एक बहुत ख़ूबसूरत पेंटर भी थे, ये किसी के इल्म में बहुत कम है, ये उससे भी वाकिफ़ हैं। मैं आप तमाम जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तमाम अहबाब, देखें इस्लाम की बुनियाद जो है दावत ज़ुल-अशीरा पे है, यानी कि पहले खाना बाद में दावत दी जानी, लेकिन यहाँ पे पहले दावत दी जा रही है बाद में खाने का इंतज़ाम है, लिहाजा जल्दी कोई नहीं है, सब आराम से सुनेंगे। और देखें अल्लामा तालिब जौहरी साहब जाते जाते ये नहीं है कि वो सिर्फ किताबें छोड़ के गए, बल्कि नस्लों की आबियारी करते हुए गए, और नस्लों की आबियारी इस तरह की है कि उन्होंने जहन साजी की है, जहन साजी इस अंदाज में की है कि आज अगर कोई नौजवान मुहक्किक या अदीब या हमें किसी सूरत में नज़र आता है और वाकयन खतीब भी हो और एक नए अंदाज से नई जहत से गुफ्तगू करता हो तो उसे हम जो है वो इर्तज़ा अब्बास नकवी के नाम से जानते हैं। जनाब इर्तज़ा अब्बास नकवी, नौजवान दानिश्वर मुहक्किक और अदीब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अल्लामा तालिब जौहरी के साथ उनके ये जो 10 साल हैं बहुत कुर्बत से गुजरे हैं और इस नौजवानी में उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्या वो उनके बारे में जानते हैं, क्या कुछ वो हमारे अजहान में उसको उंडेल सकते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें। जनाब इर्तज़ा अब्बास नकवी, नौजवान है तो नौजवानों वाली क्लैपिंग तो कर दें। फरहान भाई आप कर दें। इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी और हाजरीन मोहतरम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगु अभी अहमद शाह साहब कर रहे थे और उनके बाद मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने ख्यालात को पेश किया, और डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब के मकाले को आपने समाअत फरमाया। अभी ये जुमला कहा गया अबरार हसन साहब के हवाले से कि जब कोई चिराग रोशन करता है तो ये नहीं देखा जाता कि चिराग किसके हाथ में है बल्कि रोशनी देखी जाती है, तो मैं ये जुमला यहाँ बदलना चाहूँगा कि हम रोशनी भी देख रहे हैं और चिराग भी देख रहे हैं, इसलिए कि अगर रोशनी अल्लामा तालिब जौहरी हैं तो चिराग ये आर्ट काउंसिल है और ये ज़मीन ग्रुप है कि जिसकी वजह से ये खूबसूरत तकरीब आज मुनक्किद की जा रही है, और ये तकरीब मुनक्किद करके इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखती हैं और फ़र्ज़ शनासी की रिवायत कराची में ख़त्म नहीं हुई है, आज भी ज़िंदा है। और अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला, ज़ाहिर है कि मेरी उनसे तकरीबन 15 बरस की मुलाकातों का अरसा रहा, और अल्लामा साहब जैसा कि हर तकरीर में बात दोहराई गई कि इतनी जहते हैं अल्लामा साहब की, देखिए होता यह है कि जो ख़तीब हो वो आम तौर पे शायर नहीं होता, और जो फ़लसफ़े से दिलचस्पी रखने वाला हो वो तारीख़ से दिलचस्पी नहीं रखता, अगर कोई मर्सिया कहने वाला हो तो ज़रूरी नहीं है वो रुबाई भी उतने तेज़ी के साथ कह सके, लेकिन ये अल्लामा तालिब जौहरी का कमाल था
कि अगर गालिब पर बात हो रही है तो गुफ्तगू ऐसी करते थे कि जैसे उनसे ज़्यादा गालिब का जानने वाला कोई नहीं है, और अगर मीर तकी मीर पर बात हो रही हो तो मीर तकी मीर के उस पहलुओं पर गुफ्तगू होती थी कि अगर बड़े से बड़ा माहिर भी मीर का वहाँ बैठा हो तो वो ऐसे पहलू की तरफ निशानदेही करते थे कि बड़े बड़े मुहक्किक भी सोचते थे कि ये पहलू तो हमारी नज़र से गुजरा ही नहीं है। और अगर ख़तीब हैं तो उनसे बड़ा कोई ख़तीब नहीं है। फ़लसफ़े पर गुफ्तगू हो तो ऐसे नादिर हवाले फ़लसफ़े के दिया करते थे, और फ़लसफ़े में भी जिन्होंने यूनान का फ़लसफ़ा पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि वो जदीद फ़लसफ़े से भी वाकिफियत रखते हों, लेकिन अल्लामा साहब का कमाल था कि जब कदीम फ़लसफ़े पर बात हुई तो उसके दरिया बहाए, और जब जदीद फ़लसफ़े पर बात हुई तो उसमें अपने यादगार नकूच छोड़ दिए। ज़ाहिर है कि अल्लामा साहब की मुख्तसर सामान ही खाका आपकी खिदमत में पेश करना है, और उनकी शायरी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमाना ने ग्रामी रोशनी डालेंगे। अल्लामा तालिब जौहरी अगस्त 1947 को गोरखपुर में पैदा हुए, और अल्लामा साहब की वालिदा का ताल्लुक भी एक इल्मी घराने से था, और यकीनन खुद उनका जो आबाई सिलसिला था उसमें सिर्फ अल्लामा साहब आलिम नहीं थे बल्कि कई पुश्तों से, यानी अल्लामा साहब के दादा हकीम मोहम्मद मुस्लिम अपने ज़माने के बहुत बड़े हकीम थे, और उनके वालिद अल्लामा साहब के हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा जौहर साहब अल्लाह मकामा के यकीनन उनकी खिदमात और उनकी इल्मे कलाम से भरपूर खिताबत और उनका मजमूआ कलाम महराब उनके फ़न और उनके कमालात का मजहर है। अल्लामा साहब 1955 में नजफ़ अशरफ तशरीफ़ ले गए, और उनके असातिज़ा में उस ज़माने के सबसे बड़े उलमा जो थे पूरी दुनिया में, उनको अल्लामा साहब ने उनकी शागिर्दी का शरफ़ हासिल किया, चाहे वो आयतुल्ला खोई हों, चाहे वो आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम हों, या आयतुल्ला बाकरुस सदर हों, या आयतुल्ला खुमैनी साहब हों, बड़े बड़े उलमा उनके असातिज़ा में रहे। और अल्लामा साहब के दोस्तों में जो लोग थे उनके ज़माने में, उन्होंने भी इत्तेफाक से ऐसा ज़माना पाया कि जितने हम जमात थे वो सब के सब पूरी दुनिया में मशहूर हुए, चाहे वो मौलाना दिशानत जवादी साहब हों, या मिर्ज़ा मोहम्मद आलम साहब हों, और या उनके जूनियर में आगर रूही साहब किबला, और जितने उनके साथी थे उन सब ने अपने मकामात पर जो है वो एक शोहरत इस दुनिया में पाई। और तकरीबन 10 बरस का अरसा अल्लामा साहब ने नजफ़ अशरफ में गुजारा, और वो ज़माना नजफ़ के हौजे के शबाब का ज़माना है। और जब आप 1945 में कराची वापस आए तो कराची आकर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन में 5 साल तक आपने जो है वो लेक्चरर के फ़राइद अंजाम दिए, और 1970 में उनके पुराने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, अनीस अब्बास साहब, हबीब साहब, ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो जामिया मामिया में प्रिंसिपल के फ़राइद अंजाम देते रहे। और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि अल्लामा साहब, क्या आपने कभी ये सोचा कि आप दुनिया के सबसे बड़े ख़तीब हो जाएंगे? तो वो एक जुमला कहा करते थे कि कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि इतनी शोहरत मिलेगी और इमाम हुसैन मुझसे इतनी ज़्यादा खिदमत लेंगे। तो जुमला वो ये कहा करते थे कि ऐसा लगता है कि कान पकड़ के इमाम हुसैन ने मिंबर पे बिठा दिया, ये जुमला कहा करते थे। और जाहिर है कि एक बड़ा आदमी ही ऐसा जुमला कह सकता है। तो जब यहाँ आए तो 1968 में सबसे पहले खारादर में मोहम्मदी वेलफेयर से उन्होंने अपनी तफासीर का आगाज़ किया, और तकरीबन 2 या 3 साल तक वो रमज़ान में मुकम्मल एक ही मौजू पर तफासीर बयान किया करते थे। उस ज़माने में उनकी शोहरत उर्दू बोलने वालों में इतनी ज़्यादा नहीं थी, और अगर यहाँ मौलाना अली करार नकवी साहब मौजूद हों, मुझे नज़र आए थे, ये उन लोगों में थे कि जब सिर्फ खोजा हजरात सुनने वालों में होते थे, और उर्दू सामईन में या तो मौलाना अली करार नकवी साहब होते थे या एक हसन अब्बास साहब होते थे जो आज भी मौजूद हैं। तो जब वहाँ अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी गई तो लोगों ने इस बात को दरियाफ़ कर लिया कि एक अनमोल हीरा हमारे दरमियान मौजूद है,
और अगर एक बड़ा मेंबर इनके हवाले कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी खिदमत जो है वो मज़हब शिया की हो सकती है। और उसके बाद पहला अशरा अल्लामा साहब ने महफिल अबुल फजल अब्बास खारदर में पढ़ा और उस अशरे का उन्वान था मैयत रसूल और उसके तकाजे। ये पहला अशरा जो उन्होंने इंतहाई नादर मौजू यानी एक मुश्किल मौजू था और रिसालत से ताल्लुक़ रखता था तो उन्होंने इस पर गुफ्तगू की। और उसके बाद खारदर की मजलिसें जब कामयाब हुईं तो बहुत ही कम अरसे में मरकज़ी इमाम बारगा लालूखेत में उनके अशरे की धूम मची और मौलाना बाकर जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, ये उस वक्त के सामईन में हैं और यकीनन उसकी तफसीलात बयान करेंगे कि जब अल्लामा साहब ने वहाँ मरकज़ी में अशरे शुरू किए तो पूरे कराची में एक धूम मच गई और लोगों ने यह कह के तारुफ़ किया कि एक ऐसा खतीब मिंबर पर आया है कि जो कुरान को इस तरह से बयान करता है कि ऐसा लगता है कि पूरा कुरान नाजिल ही आले मोहम्मद की शान में हुआ है। और उसी मजलिस में मुनव्वर अब्बास एडवोकेट साहब आए थे उसी अशरे में और उन्होंने आकर अल्लामा साहब की मजालिस को सुना। ये 1975 की बात है। तो जब तीन चार मजलिसें उन्होंने सुनी, ये मौलाना अली करार नकवी साहब तशरीफ़ फरमा, अभी मैं इन्हीं का तस्करा कर रहा था, तो ये सबसे पुराने सुनने वालों में इस वक्त हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि ये सेमिनार में मौजूद हैं। तो जब 1975 में उनकी मजालिस सुनी मुनव्वर अब्बास साहब ने, क्योंकि वो नश्ता पार के इंतज़ामिया के रुकन थे बल्कि सदर थे, तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इमाम हुसैन के चेहलों की जो मजलिस है वो अल्लामा तालिब जौहरी पढ़ेंगे। और पहली मजलिस जो नश्तर पार्क में उन्होंने पढ़ी वो इमाम हुसैन के चेहलों की सन 1975 में पढ़ी। और जब पहली मरतबा अनीस अब्बास साहब उस मजलिस में मौजूद थे, जब पहली मरतबा वो नश्तर पार्क के मेम्बर पर आए, अल्लामा रशीद तुराबी का एक शहर था कि जो मजमे पर और कौम पर छाया हुआ था, ज़ाहिर है ऐसे माहौल में अपनी जगह बनाना ये वही बना सकता है कि जिसकी बुनियाद मजबूत हो और जिसके पास खुदादाद सलाहियतें हों। तो जब पहली बार वो आए तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि जब पहले दिन आप मेंबर पर आए थे और तशरीफ़ फरमा हुए थे तो आपके तासुरात क्या थे, आपने क्या महसूस किया। तो उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बाजू को पकड़ा है और मेंबर पर बिठा दिया है और ये कहा है कि जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जाओ। ये उनके अल्फाज थे और वो तकरीर इतनी मशहूर हुई कि उस तकरीर की बुनियाद पर यह तय कर लिया गया कि अगले साल का अशरा अल्लामा तालिब जौहरी पढ़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने 1976 से नश्तर पार्क में मुसलसल तकरीबन 40 साल अशरे पढ़े। कुछ मौजूआत उनके अशरे के मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पहला अशरा उनका था कुरान और बुरहान के उनवान पर, कुरान और बुरहान, और ये 1976 का अशरा है और मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मुसलसल उनके उनवानात थे शरीयत और रिसालत, हिदायत और दीन हक, इस्लाम और मीज़ान अकीदा और अमल, इत्तबाए रसूल, किताब और सुन्नत, क़ानून इलाही का तसलसल, इल्म और अकीदा, इस्लाम और गैर इस्लाम, इस्लाम और उसके रहनुमा, कलिमाए तैयबा और अमल सवाले, हयात दुनिया और दार आखरत, कुरान और सिरात मुस्तकीम, दीन और शरीयत की अखली ताबीर, कुरान और किरदार बशर, निज़ाम हयात इंसानी, इंसान मुआशर और कुरान, तहजीब नफ्स और तहजीब हाजिर, आलम मुआशरा और कुरान, हयात कायनात का उलूही तसव्वुर, इंसानियत का उलूही मंशूर, असास आदमियत और कुरान, मीरास अक्ल और वही इलाही, मुसलसल अशरे पढ़ते रहे। और कमाल ये है कि जब 80 की दहाई में फहमुल कुरान जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में शुरू किया गया और ये कहा गया कि एक ऐसा मजहबी प्रोग्राम के जो मजहबी ना हो बल्कि बैनुल अक़वामी हो और न्यूट्रल सतह का प्रोग्राम हो कि अगर ईसाई भी हो तो वो भी सुने, हिंदू हो तो वो भी सुने, तो प्रोग्राम का माहौल ऐसा रखा जाए कि जिसमें मजहबी तासुब नज़र ना आए। तो इसलिए उस प्रोग्राम में ऐसे मुकर्ररीन को दावत दी गई कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर कुरान पर बात कर सकें। तो पहला प्रोग्राम सैयद रज़ी मुश्तहिद साहब का हुआ था और उसके बाद जब अल्लामा तालिब जौहरी आए तो 73 प्रोग्राम फहमुल कुरान के उन्होंने रिकॉर्ड करवाए। और इन प्रोग्रामों के मौजूआत वो थे
कि रोज़मर्रा जो ज़रूरियात हैं इंसान की, यानी तिजारत है या हमद इलाही है या मीज़ान है, किताब है, रूह है, नफ्स है, इन तमाम मौजूआत को उन्होंने फहमुल कुरान का उन्वान करार दिया। और एक अजीब वाक़या जो मैं ज़ुल्फ़िकार नक़वी साहब के हवाले से सुनाना चाहूँगा, जो डायरेक्टर थे उस प्रोग्राम के और उसकी तस्दीक के लिए हैदर इमाम रिज़वी साहब आज भी मौजूद हैं। एक दिन अल्लामा साहब ने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया फहमुल कुरान का, और हज़्ब दस्तूर वो रिकॉर्डिंग के बाद दफ्तर में आए, चाय के लिए बैठा करते थे। तो काफ़ी देर जब हो गई तो डायरेक्टर भागे हुए आए और उन्होंने कहा कि क़िबला टेक्निकल ख़राबी की वजह से पूरा प्रोग्राम सही तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो आपको ज़हमत होगी कि एक मरतबा दोबारा प्रोग्राम रिकॉर्ड करा दें। अल्लामा साहब ने कहा कोई मसला नहीं है। आए और आकर कहते ये हैं कि वही मौजू था, वही आयत थी, और जब उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया तो पिछले प्रोग्राम का एक लफ्ज़ भी उस प्रोग्राम में नहीं था, एक लफ्ज़ भी उस प्रोग्राम में नहीं था। और कमाल ये है कि जब वो तफसीर करते हुए इंतहाई नए रुख से गुफ्तगू करते थे और अक्सर कुछ बातें समझाने के लिए उर्दू अदब का सहारा लेते थे, तो एक प्रोग्राम में वो तिजारत के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो गुफ्तगू करते करते उन्होंने कहा कि कस्ब जो है, कमाई, कस्ब जो है वो सिर्फ दौलत के लिए नहीं आता, ये लफ्ज़ पैसा कमाने ही के लिए कस्ब का लफ्ज़ नहीं आता, बल्कि औलाद को भी कमाई कहा जाता है। तो इस बात को समझाने के लिए जो दलील उन्होंने दी उसमें मीरनीस का मिसरा पढ़ा और कहा अब्बास फातिमा की कमाई से होशियार। तो बताया कि यहाँ कमाई से मुराद इमाम हुसैन है, और कमाई सिर्फ दौलत की नहीं होती बल्कि औलाद के लिए भी कमाई का लफ्ज़ आता है। और इन तमाम चीज़ों से हटकर जो अजीब, यानी अल्लामा रशीद तुराबी साहब क़िबला के सुनने वाले इस मजमे में मौजूद हैं, तुराबी साहब उन लोगों में थे कि जिन्होंने मुसलसल अल्लामा इकबाल को, गालिब को, मौलाना रूम को और अनीस को अपनी मजालिसों में पेश किया और मजमे के जहन बनाया कि अदब जो है वो मजहब में किस तरह समा जाता है। लेकिन जब अल्लामा तालिब जौहरी आए तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हम अपनी मजलिसों में शेर नहीं पढ़ेंगे, और यकीनन बहुत कम अफराद होंगे जिन्होंने उनकी तकरीर में कोई शेर सुना हो या बंद सुना हो। लेकिन कमाल है कि जब पढ़ते थे कोई शेर, बहुत कम अशार पढ़े हैं, लेकिन जब पढ़ते थे तो उसमें एक ऐसी जहद लेकर आते थे कि सुनने वाले हैरान हो जाते थे। काफिर है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। अब हमें नहीं पता कि इस शेर को पढ़ने वाले किस तनाजुर में इस शेर को देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने शाम गरिमा की मजलिस में हजरत अली का जंग खंदक का वो वाक़या पढ़ा कि जब अमर इब्न अब्दुहद आपकी सीने पर सवार हो गया और आपके चेहरे पर थूका अपना लुआब, तो आपने जो है वो तलवार छोड़ दी। ये पूरा वाक़या उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि कातिल काफिर के हाथ में तलवार थी और अमीरुल मोमिनीन के हाथ खाली थे। मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ इशारा किया है, वाकया मशहूर है। तो उस मंजिल पर आकर उन्होंने कहा कि इकबाल के जहन में शायद यही वाकया था कि कातिल के, काफिर के हाथ में तलवार है और अली के हाथ में नहीं है। तो उस वाक़े के तनाजुर में इकबाल ने कहा कि काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा और मोमिन हो तो बेतक भी लड़ता है सिपाही। और जिन्होंने अल्लामा रशीद तुराबी साहब के सजदे के उन्वान पे मजलिस सुनी है तो उसमें एक बारीकी जो उन्होंने निकाली थी पहली मरतबा मेंबर से कि जिन आयतों पे सजदा वाजिब होता है, जिनको सुन के आपका फौरन सजदे में जाना वाजिब है, वो आयतें मजलिस में नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए कि अगर पढ़ दी तो खतीब पे भी सजदा वाजिब है और जो सुन रहे हैं उन पे भी सजदा वाजिब है। इसलिए उन्होंने एक फिक्र ये पेश की कि अगर सजदे की आयत का एक लफ्ज़ छोड़ दिया जाए तो आयत पे सजदा वाजिब नहीं होता, और बतलाया कि अगर सजदे की आयत का तर्जुमा पढ़ा जाए तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ने पे सजदा वाजिब नहीं होता। लिहाजा उन्होंने सूरह फजर की आखिरी आयत पढ़ी और जुमला कहा कि अगर एक लफ्ज़ पढ़ दूँ जो छोड़ दिया है आयत का, तो
तो सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए पूरी आयत नहीं पढ़ी। ये खिताबत में एक नया अंदाज था। अच्छा, फिक्र जाफरिया में शेर पढ़ने से रोज़ा मकरू हो जाता है, और अल्लामा तालिब जौहरी 21 रमज़ान की मजलिस पढ़ रहे थे हज़रत अली की शहादत की, तो एक मौका ऐसा आया कि वो सिराज मुनीर की तशरीह कर रहे थे, और तशरीह करते करते उन्होंने कहा कि चिराग जो है वो सिर्फ रोशनी देने वाला चिराग नहीं होता, बल्कि बेटे को भी चिराग कहा जाता है। अब तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम आपकी खिदमत में नुक्ता पेश कर रहा हूँ कि तरावी साहब ने एक लफ्ज़ छोड़ा ताकि सजदा वाजिब ना हो जाए, और शेर में यह है कि रोज़े में शेर पढ़ दिया तो रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो जो शेर की तारीफ समझता हो वो इन बारीकियों को समझ सकता है कि शेर दो मिसरे मिलते हैं तो शेर कहलाता है, एक मिसरा होगा तो शेर नहीं कहलाएगा। तो सिराज मुनीर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सिराज बेटा भी होता है, इसलिए कहा गया इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और फौरन कहा कि दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि रोज़ा मकरूह होने का खतरा हो जाता है। गोया बता दिया कि पूरे दो मिसरे पढ़ने से रोज़ा मकरूह होगा, एक मिसरा पढ़ने से नहीं होगा। तो लिहाजा इस तरह की जहतें अपनी खिताबत में वो पेश किया करते थे। और फिर उसके बाद जब उनकी शायरी की, ज़ाहिर है गुफ्तगू तवील हो गई, मैं समेट रहा हूँ, जब शायरी की बात आएगी तो अल्लामा साहब ने मरसिया कहा तो ऐसा कहा कि मरसिया निगारी की तारीख में ऐसा मरसिया नहीं है। और एक दिन जब वजूद बारी के मौजू पे बात हो रही थी उनके मरसिए की, तो किसी ने कहा कि मिर्ज़ा दबीर के बेटे ने भी मरसिया कहा है, और ये पहला मौजू नहीं है जो अल्लामा साहब ने कहा। तो कहने लगे कि मियाँ वो मरसिया तौहीद के मौजू पर है और ये वजूद बारी के मौजू पर है, तौहीद और है वजूद बारी और है। और फिर कोई कराची का शायर ऐसा नहीं था जिससे उनके करीबी मरासिम ना हो। और फिरासत साहब रोशनी डालेंगे कि जो साहब उनके कसीदों की बहुत तारीफ़ करते थे, और चूंकि ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा पहलू है कि जिसको उस तरह से बयान नहीं किया जाता, तो राग़िब मुरादाबादी उस नशस्त में मौजूद थे जिसमें जो साहब ने अल्लामा साहब की रुबाइयों की बहुत तारीफ़ की, तो उन्होंने अपनी दो रुबाइयों में उसको नज़्म किया कि जो साहब ने किस तरह से जो है वो अल्लामा साहब की कसीदों की तारीफ़ की, तो उस मौके पे कहा कि अल्लामा का है अर्ज़ू में मैं था, अल्लामा ने जब कसीदा बेमिसल पढ़ा, अल्लामा तालिब हैं शायर भी यकता, ये हजरत जोश ने बिल ऐलान कहा। लिहाजा जो साहब से बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, और चूँकि ज़राफ़त एक ख़ास शोबा था अल्लामा साहब का कि जब वो कोई मजाक करते थे तो उसका उसमें भी एक इल्मी पहलू होता था, तो जो साहब का आखिरी मजमूआ इशाअत के लिए तैयार था और उन्होंने अहबाब से मशवरा किया कि भाई इस मजमूए का नाम क्या होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि आपके मजमुओं के नाम मुतारादिफात पर हैं, शोला व शबनम, हर्फ व हिकायात, रामेश व रंग, मुतारादिफात पर हैं, तो ये नाम भी ऐसा होना चाहिए कि दो अल्फाज का इस्तेमाल हो, इसी से मिलता जुलता कोई नाम हो। अब सुनिए जनाब ज़राफ़त कि जहाँ हर्फ व हिकायात हो, शोला शबनम हो, तो अल्लामा अली जौहरी ने कहा कि हुजूर आखिरी मजमू का नाम रख दीजिए हरकात व सकनात, ये उनका अंदाज था। और फिर अल्लामा साहब पाकिस्तान की तारीख के चश्मदीद गवाह थे, आप उन पर पाकिस्तान उनसे पाकिस्तान की सियासत पूछते, पाकिस्तान की शायरी पर गुफ्तगू शौरा के हालात पूछते। एक वाक़िया उन्होंने मुझे बताया कि जो साहब का आग का मरसिया बहुत मशहूर है और वो मुकम्मल नहीं मिलता, तो उसकी एक बैत बड़ी मशहूर है कि बंदगी को नजरे इस्तकबार कर देती है आग, बंदगी को नजरे इस्तकबार कर देती है आग, हुक्म देता है खुदा इनकार कर देती है आग। तो उन्होंने बताया कि हम गाड़ी में मौजूद थे,
आगे जो साहब तशरीफ फरमा थे, पीछे जेबा रदौलवी थे और उनके साथ मैं बैठा हुआ था। तो ऐसे में जो साहब ने कहा कि जेबा साहब आजकल मैं मर्सिया कह रहा हूँ, एक मिसरा हो गया है, दूसरा मिसरा नहीं हो रहा। तो कहा कि जो साहब कौन सा मिसरा, तो कहने लगे हुक्म देता है खुदा, इनकार कर देती है आग, पहला मिसरा नहीं हो पा रहा। तो जेबा साहब एक लम्हे के लिए खामोश हुए और फौरन कहा हुजूर इसमें परेशानी क्या है, मिसरा ले लीजिए। का फरमाइए का बंदगी को नजरे इस्तकबार कर देती है आग। ये अल्लामा तालिब जौहरी ने बताया कि ये मिसरा जेबा रदौलवी साहब का था, ये मिसरा जेबा रदौलवी साहब का था। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हैं और यकीनन जितनी गुफ्तगू की जाए, बहुत उम्दा बात की है अहमद शाह साहब ने कि एक एक जहद पे सेमिनार होना चाहिए, एक एक जहद पे सेमिनार होना चाहिए। मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा अभी कह रही थी कि लाइब्रेरी बन रही है यहाँ पर, तो मैं ये अपनी तरफ से एक छोटी सी खिदमत ये करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जब लाइब्रेरी का क़याम अमल में आ जाएगा और किताबें आने लगेंगी, तो पहला सेट अल्लामा तालिब जौहरी साहब की मुकम्मल किताबों का मेरी तरफ से यहाँ की लाइब्रेरी को जो है वो नज़र कर दिया जाएगा। और मखतूतात की इन्होंने बात की, अल्लामा साहब के कुतुबखाने में इतने नादिर मखतूतात हैं और मुझे शरफ़ हासिल हुआ है कि मैंने बहुत से मखतूतात की ज़्यारत की है, यानी सिर्फ पाकिस्तानी सतह के नहीं हैं, मीर बाकर दामाद के हाथ की लिखी हुई किताब, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता इसकी अहमियत क्या है और इसकी कीमत क्या हो सकती है। बख़त मुसन्निफ़ अल्लामा साहब के कुतुबखाने में मौजूद थी और अली औसत रश का वो लुगत के जिसका गालिबन अब तक वाहिद नुस्खा पूरी दुनिया में है, एक अंजुमन तरक्की उर्दू में है, लेकिन अकील अब्बास जाफ़ी साहब मौजूद हैं, लेकिन और वो भी मेरी दरियाफ़ है, मैंने सबसे पहले बताया था। तो असल लुगत के जो मीर अली औसत रश, जो मीर अनीस के वालिद के शागिर्द थे, जब वो लुगत उन्होंने लिखा जिसमें फारसी अल्फाज उर्दू अल्फाज की फारसी तशरी थी, तो वो लेकर मीर अनीस के पास आए और कहा कि हुजूर अगर कोई लफ्ज़ रह गया हो तो आप इसमें इजाफा फरमा दें। तो अनीस ने हाशिए पर वो लफ्ज़ पढ़ाए थे कि जो लुगत में नहीं थे, तो वो लुगत चलता हुआ अल्लामा तालिब जौहरी साहब के पास आया और आज भी उनके कुतुबखाने में मौजूद है। इस तरह से सैकड़ों मखतूतात हैं और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर वो महफूज हो जाएँ तो यकीनन एक बहुत बड़ी खिदमत होगी, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें भी जो है वो इनकी मदद कर सकें और अल्लामा साहब का जो सरमाया है उसको महफूज किया जाए। गुफ्तगू हो चुकी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आखिर में छोटी सी बात ये कि अल्लामा साहब की मर्सिया निगारी, उनके कसायद, उनकी गज़लें और उनकी नज़में, ख़ास तौर पर नज़म के अल्लामा साहब बहुत बड़े शायर थे। एक पहलू ऐसा है कि जो अब तक सामने नहीं आया है, बल्कि दो पहलू हैं। पहला पहलू है उनकी मोहम्मल शायरी, मोहम्मल शायरी, और वो भी एक ऐसा संजीदा इंसान कि जो फ़लसफ़े का सबसे बड़ा आदमी हो, मंतिक का सबसे बड़ा आदमी हो और फिर मज़हब में उसे एक बहुत इम्तियाजी हैसियत हासिल हो, वो मोहम्मल शायरी उसके लिए एक नामुमकिन वाली बात है। लेकिन कमाल ये है उनका कि अल्लामा साहब के मोहम्मल शेर मेरी किताब में मौजूद हैं, जो हजरात चाहें इसमें पढ़ सकते हैं। तो मैंने हैं, अच्छा एक दिन ये हुआ कि अहमद नदीम कासमी लाहौर में उनसे मिलने आए, तो जब उनके कमरे में गए तो वहाँ अल बैरूनी की किताबें रखी हुई थी और जनाब मीर बाकर दामाद की किताबें रखी हुई थी, फ़लसफ़े की मुश्किल किताबें। तो किताबों को देखा और देख के कहने लगे कि हुजूर आप ये पढ़ते हैं, तो अल्लामा साहब ने कहा हाँ, जब मैं सफ़र पे जाता हूँ तो मुश्किल किताबें अपने साथ ले जाता हूँ क्योंकि वो पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो उन्होंने जुमला कहा, कहने लगे ये पढ़ेंगे तो वो कहेंगे, मोहम्मल शायरी की तरफ इशारा था, यानी जब फ़लसफ़ा जहन पर हावी हो जाए और आप उस उलझन से निकलने के लिए सुकून की मंजिल में आना चाहें तो बेहतरीन तरीका ये है कि मोहम्मल शायरी की जाए। और मोहम्मल शेर उनका है, जब ऊँट ने पटांग को इज़्ने सफ़र दिया, जब ऊँट ने पटांग को इज़्ने सफ़र दिया, तब मुर्गे आगही ने पपीते में सर दिया, मख्तल में कोई राह न थी हेर फेर की, मख्तल में कोई राह न थी हेर फेर की,
अहले जबान पीते थे यखनी बटेर की। तो बहरहाल इस तरह के बहुत से शेर हैं जो मैं आपको भी सुनाना नहीं चाह रहा, इससे कि माहौल तब्दील हो जाएगा। अलबत्ता एक छोटी सी नज़म अल्लामा साहब की, और वो मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये नज़में जो अल्लामा साहब ने बच्चों के लिए कही हैं, बच्चों का अदब। जब मैं लाहौर गया तो वहाँ डॉक्टर सलमान बाकर साहब से मिला, तो उन्होंने जब इन नज़मों को पढ़ा तो कहने लगे कि लाहौर में जो बच्चों का सिलेबस है उसकी मुरतब करने की जिम्मेदारी मेरे पास है। और जब ये नज़में उन्होंने पढ़ी तो पढ़ के कहने लगे कि मेरा वादा है कि मैं अल्लामा साहब की एक नज़म सिलेबस में शामिल करवाऊँगा ताकि आने वाले बच्चे अल्लामा साहब की ये नज़में पढ़ें। और ये नज़में वो हैं जो अल्लामा अमजद जौहरी साहब जब 4-5 साल के होते थे और उनकी दुख्तरान अल्लामा साहब की, तो फिलबदी जब अपनी मसरूफियात से फारिग होकर कमरे में आते थे और बच्चों के दरमियान रहते थे, तो ये फिलबदी नज़में हैं, 10-12 नज़में हैं तकरीबन। और ये फिलबदी नज़में जो उस वक्त बिस्तर पर कहते जाते थे और जो बच्चे हैं वो डायरी में लिखते जाते थे, इसमें कोई वक्फा नहीं होता था। तो इसमें एक नज़म है खाला बिल्ली के मौजू पर, और आप ये देखें कि जब एक आलिम इंतहाई मुश्किल सतह से निकल के बच्चों की सतह पर आता है और बच्चों के लिए शायरी करता है तो कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि मुश्किल शेर कहना आसान है और बच्चों के लिए शेर कहना मुश्किल है। लो सुनो दास्तान बिल्ली की, लो सुनो दास्तान बिल्ली की, वो पड़ोसन थी शेख चिल्ली की, मोटी मोटी थी और काली थी, एक हवेली की रहने वाली थी, वो हवेली बड़ी भयानक थी, उस पे छाई हुई थी तन्हाई, ना था खाने को कुछ ना पीने को, आसरा था ना कोई जीने को, उस हवेली में ये अकेली जात काटती थी उदासियों की रात, जब बहुत भूख उसे सताती थी तब हवेली से बाहर आती थी, घूमती थी छतों पर आंगन में, डाल देती थी मुंह को बर्तन में, जो भी मिलता था उसको खाती थी और हवेली को वापस आती थी। एक दिन जबकि उसको कुछ ना मिला, शेख चिल्ली के घर में जा झांका, शेख चिल्ली की मुर्गियां देखी, कुरकुराती यहां वहां देखी, भूख चमकी जो खूब बिल्ली की, मुर्गियां खाई शेख चिल्ली की, बैठकर वो बिलार करने लगी, अपने दर को निहार करने लगी, पड़ गई शेख की जो उस पे नजर, दौड़ा डंडे को हाथ में लेकर वो छुपी जाके एक बिछोने में, फिर बिछोने से एक कोने में, बहरहाल जाके जंगल में उसको छोड़ दिया, रिश्ता बस्ती से उसने तोड़ दिया, अब अकेली थी जान बिल्ली की, हर तरफ थी मुही तन्हाई, म्याऊ करती थी और चलती थी, रात को करवटें बदलती थी, एक दिन कर रही थी अपना सफ़र, अब गुरेज देखिएगा उसके अंदर, एक दिन कर रही थी अपना सफ़र कि हुआ उसका एक कुएं से गुजर, वो कुआं भी बहुत पुराना था, उसके अंदर से आ रही थी सदा, कोई मुझको अगर बचा लेगा मेरे घर भर की वो दुआ लेगा, मैं उसे माला माल कर दूंगा, उसको फौरन निहाल कर दूंगा, ये सदा जूं ही कान में आई, बिल्ली फौरन कुएं में जा कूदी, देखा एक आली शान कमरा है, चूहों का 4 सिम पहरा है, बीच में एक जवान लेटा है जो किसी बादशाह का बेटा है। बिल्ली चूहों से डांट कर बोली, खेलते हो जो खून की होली, फिक्र खालिक नहीं है तुमको जरा, मुंह दिखाओगे किस तरह अपना, जल्द रस्सी को इसकी तुम काटो वरना खा जाऊंगी मैं तुम सबको। डर के चूहों ने उसको खोल दिया, जब रिहा हो गया वो शहजादा, आया बिल्ली के पास और बोला, आपका हक ना हो सकेगा अदा, खाला बिल्ली मैं आप पर कुर्बान, आपने तो बचाई मेरी जान, अब चलें आप मेरे घर रहने, चाय पीने कहानियां कहने। दोनों पहुंचे महल में जब शब को, ये खबर दी गई वहां सबको, आए और झुक के सब सलाम करें, खाला बिल्ली का एहतराम करें। नज़्म अब ख़त्म हो गई अमजद, और खिलकत भी सो गई अमजद, तुम भी अब इसका अख्तिताम करो, खाला बिल्ली का एहतराम करो, अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ, नींद की वादियों में खो जाओ। शुक्रिया। जनाब इर्तज़ा अब्बास नकवी मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। सामईन कराम,
क्योंकि मेरे सामने चंद बरगजीदा हस्तियां ऐसी तशरीफ़ फरमा हैं जिसमें अनीस अब्बास साहब, इकबाल हैदर अम्मू और अल्लामा अली करार साहब और उनके दोस्त और अकील जाफरी था। जब इस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए एजाज साहब ने, आसिफ़ एजाज साहब ने मुझसे राबता किया तो मुझे लगा ये बहुत आसान होगा, इसलिए कि अल्लामा साहब का नाम इतना बड़ा है कि मैं बस खाली इसकी इशाअत करूंगा कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है और ये नेशनल पार्क बन जाएगा। लेकिन जब हम, मैं और आसिफ एजाज साहब एक एक कार्ड लेकर एक एक फ़र्द के घर पर गए और पूरे शहर में बांटते रहे, तब जाके पता चला कि ज़िंदगी में इंसान की क्या वक़्त होती है और मरने के बाद वो क्या हो जाता है। और जो कौमें अपने मरे हुए लोगों को, अपने जाने वाले लोगों को याद ना करें, वो कौमें खुद मर जाती हैं। ये लोग मुर्दा परस्ती के फ़न में माहिर हैं, ये लोग मुर्दा परस्ती के फ़न में माहिर हैं, ये मुझको रोएंगे कल, इनको आज रोलूं मैं। और अल्लामा साहब ज़िंदगी भर इस कौम को रोते हुए चले गए। आज ये मकाम है कि गुफ्तगू इस अंदाज़ से की जाए कि जब हम उनकी अदबी खिदमात पर गुफ्तगू के लिए यहाँ ये सेमिनार मुनक्किद किया गया है तो यकीनन गुफ्तगू का दायरे कार भी वही रहना चाहिए। इसके लिए मेरा इंतखाब था जनाब फरासत रिजवी, चूँकि वो उनके दोस्त भी हैं, उनके करीब भी रहे और सबसे बड़ी बात इल्म शनास हैं और ख़ुद इतना जानते हैं कि जो शख्स कह रहा है वो बाज़ दफ़ा परेशान हो जाता है कि वाकई इतना तो मैं भी नहीं जानता जितना मेरे बारे में फरासत साहब जानते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फरासत रिजवी से कि वो आए और यहाँ अपनी दानिशवराना गुफ्तगू से हमें। लेकिन वाकई एक ताली ऐसी लगा दें कि हम खाना है दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। सदर महफिल जनाब ताज हैदर अल्लामा बाकर ज़ैदी, डॉक्टर शादाब एहसानी, मोहतरमा डॉक्टर फ़ातमा हसन, अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास नकवी, जनाब शब्बर रज़ा और हमारे आज की इस महफिल के मौलिन हुसैनी कॉमरेड जनाब अबरार हसन और मौजस ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस मुख्तसर सी तहरीर का उनवान है अल्लामा तालिब जौहरी की नज़्म निगारी पर एक नज़र। पाकिस्तान में जब भी असर जदीद की इल्मी शख्सियात का तस्किरा होगा तो उसमें अल्लामा तालिब जौहरी का नाम ज़रूर आएगा। वो एक बड़े इस्लामी मुफक्किर, नुक्ता शनास, मुफस्सिर कुरान और साहिब तर्ज शायर थे। बतौर ख़तीब वो अपना सानी नहीं रखते थे। उनकी तकरीरें रवानी कलाम, अल्फाज के हुस्न, दिलकश अंदाज, कुरान फहमी और वसी इल्मी हवालों से सजी हुई होती थी। कुरान हकीम की तालीमात को सहल अंदाज में अवाम तक पहुँचाना उनकी ज़िंदगी का ख़ास मकसद था। उनके अल्फाज लाखों लोगों के दिलों पर असर करते थे। उनके हमा जहत मुताले और बुलंदी अफकार से उनके हमा जहत मुताले और बुलंदी अफकार से सामईन हैरत ज़दा हो जाते थे। सबसे अहम बात यह है कि उनकी तकरीरों में मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक के लिए वहदत का पैगाम होता था, क्योंकि वो उम्मत को बिखरने के बजाय उसे जोड़ने की आरजू रखते थे। आज भी अवामी सतह पर उनकी शनाख्त एक बड़े इस्लामी स्कॉलर और जादू बयान खतीब की हैसियत से है। लेकिन वो महज एक दकीक आलिम और जाकिर ही नहीं थे, वो एक ताज़ा रुख और बुलंद पाया शायर भी थे। उन्होंने अपनी शायराना हैसियत को बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अदबी हलकों में उन्हें एक सफ़े अव्वल के शायर की हैसियत हासिल थी। उनका लहजा ताजगी और नुदरत लिए हुए था। वो एक मुकम्मल जदीद शायर थे। उनके शायराना उसलूब
और मजामीन में क़दामत का शायबा तक न था। उन्होंने आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, गज़ल, क़ता, रुबाई, कसीदा, मरसिया, तकरीबन सारी ही असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की है। उनकी शायरी के तीन मजमूए हर्फ नमू, पसे आफाक और शाख सदा शाय होकर अहले नक़्दो नज़र से दाद हासिल कर चुके हैं। उनका बहुत सा कलाम गैर मतबूआ हालत में भी मौजूद है, जिसे जल्द अज जल्द किताबी सूरत में शाय होना चाहिए। अल्लामा साहब की मुनफरिद शेरी सिफात, उनके उसलूब की रानाई, उनकी शेरी जमालियात और वसत मजामीन का मुकम्मल अहाता तो एक ज़खीम किताब ही कर सकती है। इसलिए मैं अपनी इस आजिलाना गुफ्तगू को सिर्फ उनकी नज़्म निगारी के मुख्तसर जायज़े तक महदूद रखूँगा। उनके कसायद और मरसिए को मैं यहाँ ज़ेर बहस नहीं लाऊँगा, क्योंकि वो अलाहदा तफसीली मजामीन के मुतकाजी हैं। उर्दू की अदबी तारीखों के मुताबिक नज़्म जदीद का आगाज़ 1874 में हुआ, जब अंजुमन इशात मतालिब मुफीद पंजाब का पहला मुशायरा 30 मई 1874 को बरसात के मौजू पर लाहौर में मुनक़िद हुआ, जिसमें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी अपनी नज़्म बरखारुत पेश की। मुशायरे के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नई नज़्म के तकाज़ों पर एक लेक्चर भी दिया। ये उर्दू अदब की तारीख का पहला मौजूआती मुशायरा था जो आज़ाद और कर्नल हॉल राइट की कोशिशों से मुनक़िद हुआ। गो 10 मौजूआती नज़मिया मुशायरों के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन बकौल डॉक्टर जमील जालबी, जदीद उर्दू नज़्म आज तक इसी रुझान की बुनियाद पर अपनी इमारत तामीर कर रही है। अगर हम जदीद नज़्म के सफ़र पर सरसरी नज़र डालें तो हम देखेंगे कि तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक, लिसानी तश्कीलात और नसरी नज़्म की तहरीक ने जदीद उर्दू नज़्म को असालीब और मवाद दोनों में वसत से हमकनार किया। तरक्की पसंद तहरीक ने कार्ल मार्क्स के माशी फ़लसफ़े के ज़ेर असर समाजी नाइंसाफियों और मज़लूम तबके के मसाइल को अपना मौजू बनाया और फ़र्द के मुकाबले में माशरे को अहमियत दी। हल्का अरबाब ज़ौक़ और मीरा जी के असरात से इंसान के दाखिली एहसासात और इनफरादी दुखों और मसरतों को नज़मों में मरकज़ी हैसियत मिली और सदाकत के सब्जेक्टिव तसव्वुर को शायरी की असास माना गया। लिसानी तश्कीलात वालों ने ज़बान की रिवायती अशकाल में तोड़ फोड़ की और पामाल लफ्ज़ियात से बचने को अदब का आला मकसद करार दिया। नसरी नज़्म के पेशवाओं ने अरूज व बहूर की क़यूद को रद्द कर दिया और एक दाखली आहंग पर इसरार किया। नसरी नज़्म के हामियों ने सुररियलिज़्म की तहरीक के तहत ख्वाब और लाशऊर की तकनीक को शायरी का लाजमी जुज़ करार दिया। गो इकबाल और जोश ने नज़्म हयात के तजर्बे तो नहीं किए, मगर उनकी गहरी शेरी बसीरत, लिसानी इज्तिहाद और मौजूआत के तनव्वो ने जदीद उर्दू नज़्म को अपने कदमों पर खड़े होने में मदद दी। क़याम पाकिस्तान से कबल की नज़्मों को देखिए तो आपको इनमें ग़ुलामी से नफ़रत, आज़ादी के नारों की गूंज, फितरत निगारी, इकहरी रूमानियत, इनकलाब और रूमान का इम्तिजाज और एक नए तसव्वुर इंसान की झलकियाँ नज़र आएंगी। 1947 के फौरन बाद की नज़्मों में हिजरत का दुख, फ़र्द का एहसास तन्हाई, बेएतकादी, तशकीक और इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ रद्द अमल नज़र आता है। बाद की नज़्मों में एक ऐसा मिडिल क्लास इंसान नज़र आने लगा जिसकी शनाख्त एक बड़े तजारती शहर में गुम हो चुकी थी। 1980 के बाद हमारे यहाँ इबहाम और अलामत निगारी को फ़रोग़ हासिल हुआ। ज़ियाउल हक़ की तवील आमिराना हुकूमत और उसके ज़ेर असर मजहबी इंतहा पसंदी इसके बड़े और नुमायाँ असबाब थे, क्योंकि हुकूमती जबर के सामने खुलकर इजहार करना ज़ाती नुकसान का बायस हो सकता था, इसलिए इबहाम और अलामत को नज़मों में फ़रोग़ हासिल हुआ। इबहाम और अलामत निगारी से आरास्ता इन नज़मों को मुज़ाहिमती नज़मों का नाम दिया गया। अल्लामा तालिब जौहरी ने जिस अदबी सूरत हाल में शायरी का आगाज़ किया, ये वो वक्त था जब जदीद उर्दू नज़्म अपने माजी के रुझान की बिसात लपेट चुकी थी और हवा के किसी ताज़ा झोंके के इंतज़ार में थी। ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में पैदा होने वाले शेरी रुझान से बिल इरादा गुरेज किया। उन्होंने उर्दू की अदबी तहरीकों और मारूफ अदबी रवैयों से असर कबूल करने के बजाय अपने लिए ख़ुद एक नई शेरी कायनात तख्लीक की। इस अमल में
अल्लामा तालिब जौहरी ने अरबी, फ़ारसी, हिंदी और मगरबी शायरी के मुताले से इस्तिफादा किया। उन्होंने अपनी नज़मों में एक ऐसा लैंडस्केप और एक ऐसी अनोखी फ़ज़ा तश्कील दी जो इससे पहले उर्दू शायरी में कहीं और नज़र नहीं आती। ये फ़ज़ा एक तरफ तो अरब के जुग्राफियाई माहौल को मुनक्किस करती है और दूसरी जानिब इसमें खालिस हिंदी सकाफत और लफ्ज़ियात के रंग शामिल हैं। कहीं कहीं यूरोप के मनाजिर भी झलक उठते हैं। दरअसल ये शेरी फ़ज़ा तीन बड़ी सकाफतों की के तख्लीकी इम्तिजाज से वजूद में आई है। ये किसी कम इल्म और बेसवाद शायर के बस की बात नहीं थी। इसके लिए अल्लामा तालिब जौहरी जैसा हैरतनाक तखय्युल और उलूए इल्म चाहिए था। ये मंजरनामा हमें हैरान कर देता है। ये उर्दू शायरी की एक नई दुनिया है जिसकी अशिया किरदार ये उर्दू शायरी की एक नई दुनिया है जिसकी अशिया किरदार मनाजिर और अलामतें हमें एक ऐसे जहान में ले जाती हैं जो हमारे लिए अजनबी भी है और मानूस भी। मानूस इसलिए कि ये इंसानी फितरत से हम आहंग है और अजनबी इसलिए कि हम पहली बार इस तख्लीकी तजर्बे से दो चार होते हैं। उनकी शायरी में नखलिस्तान हैं, काहिनों के मंतर हैं, मंदिरों की घंटियां हैं, गाँव के पनघट हैं, तिलिस्म सामरी है, असाए कलीमी है, कोहे निदा है, सनोबर पर बैठे परिंदे हैं, दश्त जबल की आवारगी है, दयारे वहशत में बचते नक्कारे हैं, सरों के मीनार हैं, अक्ल की अंधी पुजारन है, गुमशुदा भेड़े हैं, पाशकस्ता चरवाहे हैं, काहिरा के अहराम हैं, नजफ के कुतुब खाने हैं, टेम्स की मौजें हैं, हाइडलबर्ग में दरियाए नेकर का किनारा है, मैनहट्टन के बाजार हैं, लंदन का तुर्की रेस्तोरान है, तशनगी का सहरा है, बर्फ़ की चादर है, रूह का बनबास है, दश्ते वाहिमा है, ख्वाबनाक खंडर हैं, चनारों पर धूप है, मज़ारों पर नाचते मोर हैं, फ़लसफ़े की हैरानी है, तसव्वुफ़ का तावान है, अफ्रीकी कनीज़ें हैं, शिकोह फ़िक्र फ़ाराबी है, रास्ते की उदास कंदीलें हैं, सर्व सही के झुंड हैं, दर्द के जाल हैं, शत्तुल अरब का साहिल है, दजलो फुरात के पहलू में आबाद बस्तियां हैं, मलगजी चांदनी के साए हैं, हस्ती के गिरदाब हैं, उड़ते हुए सुरखाब हैं, करिया ख्वाब है, सरे इबलीस का सौदा है। ये सब उन्हीं की तरकीबें हैं उनकी शायरी की। करिया ख्वाब है, सरे इबलीस का सौदा है, फिरदौस अबद है, रेत के बंजर टीले हैं, तन्हा कौवा है, पैराहने यूसुफ है और नगमगी की चिता है। उन्होंने सामी, आरियाई और मगरबी तहजीबी असरात को एक वहदत में परो दिया। ये एक आफाकी मंजरनामा है जिसमें शायर का सेल्फ पोर्ट्रेट एक जहां गर्द सयाह, एक अजनबी मुसाफिर और एक गरीबुल वतन तालिब इल्म का है जिसके पास कुछ फिक्री सवालात हैं। उसे इन जवाबात की तलाश है। इस गरीबुल वतन तालिब इल्म को कभी कभी खूबसूरत हमनशीन मिलते हैं। वो दिलकश मनाजिर देखता है, उसे मालूम है ये मनाजिर, ये यारान सरे पुल जल्द ही उससे बिछड़ जाएंगे क्योंकि उसे बिलाखिर अपने वतन लौट जाना है। मिलने बिछड़ने का जबर, अजल और अबद की कैद, हयात व मर्ग के असरार, जमान व मकान की हकीकत, खैर व शर का तसादुम, तकदीर व इख्तियार, अपने खालिक की तलाश, इंसानी रिश्तों के अलमिये, इल्लत व मालूल का रिश्ता, वो इन सब को समझना चाहता है। लेकिन नए नए लोग, नए नए तमद्दुन, नई नई किताबें, महफिलें, इल्मी मुबाहसे उसकी तशफ़ी नहीं करते। अल्लामा तालिब जौहरी की शायरी उनकी इसी इल्मी और फिक्री तलाश का अक्स है जिसे उन्होंने एक नई जमालियात से सजाया है। उनका लिसानी रवैया बड़ा अजीब है। वो अरबी और फारसी के मुंतही थे। उनके पास सिका अल्फाज और फसी अल्फाज का एक ख़जाना था, लेकिन इसके बावजूद वो अवामी ज़बान और स्लैंग अल्फाज को नज़ीर अकबराबादी की तरह अपनी शायरी में बिला झिझक इस्तेमाल करते थे। हरफ नमू में उनकी एक आज़ाद नज़म है जिसका उन्वान है धंधे। नज़म का आगाज़ लंदन के एक तुर्की रेस्तोरान के मंजर से होता है जहाँ एक परीवश हसीना उन्हें दावत मुलाकात देती है और कहती है कि दुनिया के धंधों से फारिग हो जाना तो मुझसे मिलने आना,
नज़्म ज़रा आगे बढ़ती है और फिर अचानक एक ड्रामाई मोड़ के साथ शायर अपने वतन के एक मामूली चाय खाने में नज़र आता है, जहाँ कार्य दुनिया के लामुतनाही होने का एहसास उसे अफसुर्दा कर देता है। उनकी सारी नज़में इसी ड्रामेटिक अप्रोच से इबारत हैं। बतौर नमूना यह मुख्तसर नज़्म मुलाहिज़ा फरमाइए। पिछले सफ़र में लंदन के एक तुर्की रेस्तोरान के अंदर उसने कहा था, सारे कामों को निपटाकर मेरे पास चले आना, रिश्ते नाते मुस्तकबिल के सब मंसूबे, जब तुम अपने धंधों से फारिग हो जाओ मेरे पास चले आना, फिर हम तुम दोनों अपने जुनू की शम्मा जलाकर अपने घर का घोर अंधेरा दूर करेंगे और वो घर आबाद रहेगा। लेकिन मैं एक सिंधी गोट में फूस के छप्पर वाले होटल की कुर्सी पर कब से बैठा सोच रहा हूँ, दुनिया के धंधे किसने निपटाए हैं। इस नज़्म में अगर आप गौर करें तो वक्त का गैर मुनकसिम तसव्वुर भी है, जो उनकी दूसरी नज़मों में भी पाया जाता है। यहाँ वक्त को माजी, हाल और मुस्तकबिल में बांटा नहीं जा सकता, ये एक वहदत ज़मान है जहाँ आने वाहिद ही सबसे बड़ी सच्चाई है। उनका वहदत ज़मान का ये तसव्वुर उनकी शायरी को एक मावराई जहत अता करता है और नज़मों की तासीर को बढ़ा देता है। उनकी हर नज़म का लहजा नीम खतीबाना और नीम गनाई है, लेकिन शिद्दत एहसास से तही नहीं, उनकी तख्लीकी आवाज़ में बला का यकीन है। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अल्लामा तालिब जौहरी हज़रत जोश मलियाबादी की शायरी के बहुत बड़े मद्दा थे। वो अपनी ज़ाती महफिलों में जोश साहब की शायराना अजमत पर बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते थे, लेकिन अल्लामा साहब की शायरी देखिए तो उस पर जोश साहब का ज़र्रा बराबर भी असर नज़र नहीं आता। मौजूआत और तर्ज़ फ़िक्र के एतबार से वो इकबाल के बहुत ज़्यादा नज़दीक दिखाई देते हैं। गो अपने उसलूब में अल्लामा तालिब जौहरी इकबाल से कतई मुख्तलिफ हैं, मगर मौजूआत के इश्तराक ने उन्हें इकबाल से करीब तर कर दिया है। मैं इस हवाले से मिसालें तो बहुत दे सकता हूँ, लेकिन सरे दस्त अपनी बात की वजाहत के लिए अल्लामा तालिब की सिर्फ तीन नज़मों का जिक्र करूँगा, जो इकबाल की नज़मों की फ़िक्री तौसी मालूम होती हैं। यानी इकबाल के फ़िक्री नताइज से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश। तख्लीकी अमल का ये कोहे गरां अल्लामा तालिब जौहरी के सिवा कौन उठा सकता था। ये नज़में हैं मेहंदी बरहक, एक शाम और बर्ग नवा। इकबाल की नज़्म मेहंदी बरहक के उनवान से ज़रबे कलीम में शामिल है। इसमें चार अशार हैं, सारे अशार नहीं पढ़ूंगा, इसका आखिरी शेर बहुत मशहूर है, दुनिया को है उस मेहंदी बरहक की ज़रूरत, दुनिया को है उस मेहंदी बरहक की ज़रूरत, हो जिसकी निगाह ज़लज़ले आलम अफकार। अल्लामा तालिब जौहरी की नज़्म इसी उनवान से यानी मेहंदी बरहक के उनवान से हरफ नमू में शामिल है, जिसमें कुल नौ अशार हैं। इन नौ अशार में उन्होंने अहद जदीद के तजादात, मुनाफिकत, जमहूरियत, सरमायादारी और मज़हब की जदीद ताबीर को हदफ तनकीद बनाया है। इस नज़म के सिर्फ तीन अशार सुनिए। एक मुबहम खुद सरी फ़िक्र मुसावात बशर, एक मुबहम खुद सरी फ़िक्र मुसावात बशर, जो निज़ाम ज़र के इस्तेसाल पहम का शिकार, एक तजरीदी तसव्वुर दीन की तस्वीर का, नाम पर तहकीक के रूह शरीयत से फरार, हम हैं और इतने महाजों पर जिहाद मुत्तसिल, हम हैं और इतनी बलाओं में है तेरा इंतज़ार। दूसरी नज़्म है एक शाम जो एक ही उनवान से बांगे दरा और हरफ नमू में शामिल है। अल्लामा इकबाल ने यह नज़्म हाइडलबर्ग से गुजरने वाले जर्मनी के मशहूर दरियाए नेकर के किनारे बैठ कर लिखी। अल्लामा तालिब जौहरी ने भी अपनी नज़्म एक शाम दरियाए नेकर के साहिल पर तख्लीक की। दोनों की बहर भी एक है। इकबाल की नज़्म में फितरत की राजों भरी खामोशी को मौजू बनाया गया है और उसे कुदरत के मुराकबे से तशबीह दी गई है। इकबाल की नज़्म के चंद अशार ये हैं, खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज़ पोश खामोश, खामोश हैं कोह दश्त दरिया,
कुदरत है मुराकबे में गोया, ऐ दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। अल्लामा तालिब जौहरी अपनी नज़्म में इकबाल की नज़्म की तरफ इशारा भी करते हैं। इकबाल के गोश हक रसा में उस शाम की बेकरा खामोशी एक ख्वाब लतीफ़ बन गई थी। आगे चलकर वो बड़े अहम फ़लसफियाना सवालात को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि मकसूम खिरद है बेनवाई, हिजरत जदगी का लेके कासा, कब तक करूं दर बदर गदाई, मैं छान चुका निज़ाम शमसी, मैं अर्ज़ो समा को देख आया, कहती है खिरत जिसे हकीकत, अनका की उड़ान का है साया। शायद कि ज़मीं की रिफतों से मैं बाम फलक पे गिर पड़ा हूँ, शोले तो चिता के बुझ चुके हैं, मैं अपनी ही राख पर खड़ा हूँ। मेरे ख्याल में ये पूरी नज़्म फलसफियाना ट्रीटमेंट और अपने नाजुक क्राफ्ट की वजह से उर्दू की बड़ी नज़मों में शामिल होने के लायक है। ये नज़्म इकबाल की नज़्म से आगे बढ़कर हमें अहद जदीद की दहशतनाकी का एहसास दिलाती है। नीत्शे ने तो खुदा की मौत का ऐलान किया था, लेकिन माबाद जदीदियत के फ़लसफ़ी खुसूसन मिशेल फूको ने इंसान की मौत का ऐलान कर दिया और कहा कि तारीख की लकीर पर दौड़ते दौड़ते इंसान रेजा रेजा होकर बिखर गया है, हम इंसान की लाश पर खड़े होकर दुनिया से हम कलाम हैं। माबाद जदीदियत के फ़लसफ़े को जाने बगैर ये मिसरा कभी नहीं लिखा जा सकता था, मैं अपनी ही राख पर खड़ा हूँ। तीसरी नज़्म जो हमें इकबाल की याद दिलाती है वो अल्लामा तालिब जौहरी की शायरी का शाहकार है। ये नज़्म उनके दूसरे मजमूए कलाम पसे आफाक में शामिल है। इसका उनवान है बरगे नवा। ये नज़्म अपने उसलूब के शिकोह, फ़िक्री रवैये, ख़याल आरई और बहर की यकसानियत के सबब इकबाल की मशहूर नज़्म मस्जिद कुर्तुबा से हैरतनाक हद तक मुमासलत रखती है। इकबाल की नज़्म में 64 अशार हैं और अल्लामा तालिब जौहरी की नज़्म में 160 शेर हैं। इसकी बहर उर्दू की नामानूस बहरों में शुमार होती है, जिसमें क्लासिकल उर्दू शोरा ने इक्का दुक्का ही गज़लें लिखी हैं। इस बहर में गालिब की दो फारसी गज़लें और मीर की एक गज़ल मेरे इल्म में है। इस बहर में गालिब का यह मक्ता बहुत मशहूर है, गालिब नाम आवरम नामो निशानम मापुरस हम असदुल्लाह हमो हम असदुल्लाहीम। और इस बहर में मीर तकी मीर का शेर है, मीर नहीं पीर तुम काहिली अल्लाह रे, नाम खुदा हो जमा कुछ तो किया चाहिए। ये बहर है मुफ्तालुन फ़ाइलुन मुफ्तालुन फ़ाइलुन, और ये यूँ भी है कि मुफ्तालुन फ़ाइलुन मुफ्तालुन फ़े। इस बहर का नाम है बहर मुनसरा मुसम्मन मुतवी मौकूफ़ या मकसूफ़। क्या अजीब हुस्न इत्तिफ़ाक़ है कि मस्जिद कुर्तुबा का मकाम तख्लीक़ दरियाए फुरात का किनारा है, और अल्लामा तालिब जौहरी ने भी अपनी ये नज़्म साहिल फुरात पर बैठ कर लिखी है। इकबाल के यहाँ फुरात गुजरते हुए वक्त का इस्तियारा है। अल्लामा तालिब जौहरी की नज़्म बरगे नवा में फुरात का इस्तियारा तारीख़ के मद्दो जज़र को ज़ाहिर करता है और साथ साथ ये खैर व शर की जंग के एक मंजरनामे का भी हिस्सा है। इस तरह उनके यहाँ फुरात एक अखलाकी और रूहानी अलामत की हैसियत इख्तियार कर गया है। इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तुबा हमें इश्क खुदी और फ़ख्र का पैगाम देती है। इस नज़्म में ज़माने की गर्दिश, कौमों के उरूज व ज़वाल के इशारे, मर्द मोमिन का तसव्वुर और आर्ट के डिवाइन नज़रिए का अक्स भी नज़र आता है। अल्लामा तालिब जौहरी की नज़्म के मरकज़ी ख्याल की बात कीजिए तो इसमें एक नई दुनिया का ख्वाब है, एक उम्मीद की रोशनी है। कुरान और दर्स करबला की तरफ इंसानों को मुतवज्जे किया गया है। इसकी तर्ज अदा तख्लीक़ के जलाल व जमाल की आईनादार है। इसमें जिस नई दुनिया की आरजू की गई है वो शायर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है। ये वो दुनिया है जिसमें इस्तेसाल ना हो, जिसमें ताकतवर तबके गरीबों से जीने का हक ना छीन सकें, जहाँ समाजी इंसाफ हो, जहाँ इज़्ज़त का पैमाना ज़र ना हो, इंसानी किरदार हो। मस्जिद कुर्तुबा और बरग नवा दोनों तवील नज़में हैं, इसलिए मैं उन्हें आपके सामने नहीं पढ़ूँगा, दोनों नज़मों का आखिरी शेर पढ़ूँगा ताकि आपको दोनों नज़मों के मिजाज का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। मस्जिद कुर्तुबा का आखिरी शेर है और बहुत मशहूर शेर है कि नक्श हैं सब नातमाम खून जिगर के बग़ैर, नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बग़ैर। अल्लामा तालिब जौहरी की नज़्म का आखिरी शेर है, अदल वो तनवीर दे दीदए इम्कान को, चतरे सादत मिले हिम्मत इंसान को। इकबाल अपने
शेर में ज़िंदगी के हुस्न को कायम रखने के लिए और इंसानी इर्तिका के लिए जिद्दोजहद और जिगर कावी का पैगाम दे रहे हैं, जबकि अल्लामा तालिब जौहरी अदल की रोशनी को नए इंसानी इम्कानात का जवाज़ करार दे रहे हैं। बर्ग नवा अल्लामा तालिब जौहरी की फ़िक्र का ताजमहल है और उनकी शायरी का कोहिनूर हीरा है। ये नज़्म इतनी बुनियादी है कि इसे नज़रअंदाज करके उनकी शायरी को कभी भी नहीं समझा जा सकता। अल्लामा तालिब जौहरी की शायरी अपने कारी से तारीख, फ़लसफ़े, साइंस, अदियान आलम और लिसानियात के इल्म के गहरे शऊर का मुतालबा करती है। अल्लामा तालिब जौहरी की शायरी अपने कारी से तारीख, फ़लसफ़े, साइंस, अदियान आलम और लिसानियात के इल्म के गहरे शऊर का मुतालबा करती है, क्योंकि इसके बग़ैर उनकी शायरी की मौसीकियत और मंजर निगारी तो ज़रूर मुतासिर करेगी, लेकिन उनकी शायरी के बातिन तक सुनने और पढ़ने वाले की रसाई नहीं हो सकेगी। ज़वाले इल्म के इस दौर में इसीलिए उनकी शायरी पूरी तरह हमारे अहद पर मुनकशिफ नहीं हुई है। आन रौज के दर सीना निहानस्त नवाजस्त, आन रौज के दर सीना निहानस्त नवाजस्त, बरदार तमान गुफ्त व मेम्बर न तमा गुफ्त। खुदा हाफिज़। सामईन इकराम, जैसा कि आपने जनाब फरासत रिजवी की फरासत अफरोज गुफ्तगु समात फरमाई और उन्होंने एक एजाज़ से मुझे नवाजा, हुसैनी कॉमरेड, मैं समझता हूँ कि वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जो कॉमरेड ना हो, और वो कॉमरेड नहीं हो सकता जो हुसैनी ना हो, लिहाजा मैं इनके एजाज़ को कबूल करता हूँ। और यकीन के साथ के गुफ्तगु जिस अंदाज़ से अल्लामा साहब पे फरासत भाई ने की है, यकीनन ये फरासत आगे बढ़ेगी और अल्लामा साहब की शायरी के गोशे इसी तरह खुलते जाएंगे और तारीख़ में एक मकाम ज़रूर अल्लामा साहब की शायरी का मतायन होगा कि अल्लामा साहब ने शायरी कितनी बुलंदी पे जाके की है। इसी तरह जब कभी गुफ्तगू होती थी, लोग बैठे होते थे, तो हम जैसे लोग भी वहाँ बैठकर तालिब इल्मों की तरह उनके सामने बैठकर कभी गुफ्तगू करते थे, तो एक शेर मैंने पढ़ा एक दिन के गालिब का, एक कहने लगे जी कोई अच्छा शेर सुनाइए, मैंने एक शेर पढ़ा कि ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदम सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। कहने लगे यार ये गालिब के अच्छे अशार में से एक शेर आपने पढ़ा है। मैंने कहा क़िबला एक शेर और सुन लीजिए, वो शायर का नाम आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा सुनाइए। मैंने कहा कि वो शेर ये है कि हमारे जो शादाब एहसानी साहब हैं उनका वो शेर है कि क्या है भाई, अच्छा ये कह रहे हैं मुझे क्या पता शेर इन्हीं का है, और वो शेर इस तरह था कि मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, लेकिन शादाब एहसानी साहब से अल्लामा साहब की दोस्ती का सबब वही शेर बना। और आज मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी उसी रास्ते को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो रास्ता अल्लामा तालिब जौहरी ने शायरी के लिए मुतय्यन किया है। जनाबे डॉक्टर शादाब एहसानी, मोहतरम सदर गिरामी ताज हदर साहब, हमारे फरासत रिजवी साहब, शब्बर रिजवी साहब, हमारे आपका इर्तदा नकवी साहब और हमारी फातमा हसन साहिबा और इनका क्या नाम है, शब्बर रजा साहब, हाँ वो कह दिया मैंने तो, और हमारे ये जो हैं अबरार हसन साहब, और ये जो हम देख रहे हैं आज का ये जलसा और ये कॉन्फ्रेंस, ये अबरार हसन का जो ताल्लुक था अल्लामा तालिब जौहरी से उसका मज़हर नज़र आ रहा है ये भी, क्योंकि इन्होंने खासी मेहनत की है इस काम के हवाले से। और अभी जो मैंने फरासत रिजवी की गुफ्तगु सुनी तो समझ लें कि वो कमाल कर दिया फरासत साहब ने। और मैं जब बात करूंगा अल्लामा साहब की गज़ल के हवाले से और दीगर हवालों से जो मेरा मिलना था, तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अल्लामा साहब जो कन्फ्यूशस की तारीफ़ है, इल्म कन्फ्यूशस ने जो तारीफ़ की इल्म की,
उसका मुजस्सिम सरापा जो थे, मुजस्सिम वो थे इल्म के हवाले से। और वो क्या थी? कन्फ्यूशस की तारीफ। कन्फ्यूशस ने इल्म की तारीफ सबसे अच्छी की है, और वो ये है कि जानने का जानना और ना जानने का जानना इल्म कहलाता है। जानने का जानना और ना जानने का जानना इल्म कहलाता है। और ये बात जो है सुकरात ने कही, लोग इतना भी नहीं जानते कि नहीं जानते, मैं बस इतना जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता, अक्ल महदूद है और कायनात ला महदूद है। मीर साहब ने कहा यही जाना कि कुछ ना जाना, हाय सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। अल्लामा की पूरी ज़िंदगी जो मैं समझ पाया हूँ कि यही जाना के कुछ ना जाना हाय सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। ये मुरक्का थे, और चाहे वो नजूम हो मुंतही थे, जफर हो मुंतही थे, रमल है उसमें भी दरक थी। और आप यकीन जानिएगा कि अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ भी कहीं अल्लामा खड़े हुए नज़र आएंगे आपको, यानी उसकी तशरीहात। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी नज़र आ जाएंगे। तो अब ये जो तहजीबों का जो ताल्लुक है वो पहाड़ों से है, यानी अगर हम ये कहें कि नेपाल की जो तराई है, 6 BC का जो किस्सा है नेपाल की तराई का, वो लॉर्ड बुद्धा आ गया वहाँ। जब हम कराकरम की तरफ जाएंगे तो पता चला कन्फ्यूशस आ गया। जब हम हिंदू कश की तरफ जाएंगे तो पता ही चला कि साहब जरतुश्त आ गया। तो अब ये सारी जो तहजीबें हैं पहाड़ों से जुड़ी हुई हैं, और दजला व फरात आर्मीनिया के पहाड़ों से जुड़ा हुआ मामला है सारा। तो अब इस एतबार से अगर हम देखें तो अल्लामा साहब का जो मुताला मुशाहदा, सारी तहजीबें चाटी हुई थी अल्लामा साहब ने। अल्लामा साहब से कहीं से भी हम बात करते हैं तो वो नज़र आ जाता है हमें। और बड़े आदमी जो होते हैं वो कलेक्टिव परसेप्शन के ख़िलाफ़ होते हैं हमेशा, इज्तिमाई शऊर जो है उसके ख़िलाफ़ होते हैं। चाहे जितने पैगंबर आए इस कायनात में वो इज्तिमाई शऊर के ख़िलाफ़ थे। ए लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पीछे कोई लश्कर आ रहा है, मेरी बात मान लोगे? कहें हाँ मान लेंगे, क्योंकि आप तो झूठ बोलते ही नहीं हैं, तो अल्लाह एक है मान लो। कहने लगे ये नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका जो मामला था वो लातो मनातो हवल से जुड़ा हुआ था इज्तिमाई शऊर, इसलिए नहीं मानेंगे। तो अब ये वाले जो मसाइल हैं ये, इस पर हम नज़र डालते हुए आगे चलते हैं तो अल्लामा साहब जो हैं उनकी तमाम, यानी इल्मुल कलाम है, फ़लसफ़ा है, मुल्ला सिदरा पे बात कर लें सबको भगा देंगे वो, यानी रुश्त पे बात कर लें आप, इल्मुल कलाम के जितने भी लोग हैं। और फिर ये इल्मुल कलाम का ही मसला नहीं है, अगर आप जो है ऐनियत, यानी अगर आप आइडियलिज्म पे बात कर लें, यूनानी फ़लसफ़े बात कर लें, वहाँ भी बराबर से होंगे आपका। मतलब ये वो एग्जिस्टेंशियलिज्म से बात कर लें, रेने डेकार्ट पे बात कर लें, बरगसा पे बात कर लें, या यानी जदीद जितनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बात कर लें उस पर भी बात कर लेंगे। तो अब मामला यह है कि एक ऐसा शख्स जो है अगर वो इल्म की तरफ आ जाए और तशरीह और ताबीरें करना शुरू करे और उसके पास डायरेक्शन ना हो, तो क्या वो इतने जानने के बाद वो कोई डायरेक्शन रखता है? हाँ, उनके पास एक डायरेक्शन थी, और वो डायरेक्शन क्या थी? उनके तमाम जितने भी कलाम शायरी लगा लें, यानी अकलियात मासिर लगा लें, जितने भी तीनों मजमूए लगा लें, उनके पास बुनियादी काम क्या है? ईमान बिल कल्ब के मुजाहरे हैं उनके पास बस, यानी जो ईमान बिल कल्ब है उसका मुजाहरा है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि उनकी गज़ल में क्या हुआ कि गज़ल में कहा उन्होंने कि लफ्ज़ो मानी क्या हैं, हर्फ़ो सौत की दुनिया है क्या, लफ्ज़ो मानी क्या हैं, हर्फ़ो सौत की दुनिया है क्या, हर्फ़ो सौत की दुनिया है क्या, लफ्ज़ो मानी हर्फ़ो सौत की दुनिया है क्या, हाँ दिल ने समझाया था क्या और अक्ल ने समझा है क्या, दिल ने समझाया था क्या। अच्छा, ये ईमान बिल कल्ब जो है ना, ये सारा जो मामला है, वरना ये मेहंदी वाली नज़्म भी नहीं हो सकती थी,
ये सारा जो उनका मामला है वो अंदर से फूटने वाला काम है। अच्छा, फिर दिल ने समझा है क्या, दिल ने समझाया था क्या, और अक्ल ने समझा है क्या, अक्ल ने समझा है क्या ये ज़मीन कैसी है और जंगल का सन्नाटा है क्या, ये ज़मीन कैसी है और जंगल का सन्नाटा है क्या, और जंगल का सन्नाटा है क्या, हाथियों का गोल इस मैदान से गुजरा है क्या। अभी जो हाथियों का गोल इस मैदान से गुजरा है क्या, अब आप ये देखिए कि एक तलाशमा है और ये तनाजुर आप देखेंगे तो हाथी जो है अलामत है पावर की, तो पावर का मामला है। यानी चाहे वो बगदाद में हलाकू की खोपड़ियों के मीनार लगा देना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो अब कहने लगे मेरा होना कब हुआ, मेरा होना कब हुआ मेरे ना होने से बुरा, मेरा होना कब हुआ मेरे ना होने से बुरा, और मेरा और अगर मेरा होना बुरा ठहरा तो फिर अच्छा क्या, अच्छा है क्या मेरा होना, और अगर मेरा होना बुरा ठहरा तो फिर है, फिर अच्छा है क्या, फिर अच्छा। एक धमाका है सबब इस आलम मौजूद का। फलसफे ने इस धमाके का सबब लिखा है क्या, फलसफे ने। अब यहाँ जो बात आ रही है ना, देखिए मैं कोशिश ये कर रहा था, देख के भी पढ़ सकता था, मैंने कहा अल्लामा के हाफजे में क्या शेर है मेरे, वो उस तरह मैं कर रहा था। तो अब अल्लामा साहब जैसे अभी फ़िरासत साहब ने कहा कि साहब जदीदियत के हवाले से बात की फ़िरासत साहब ने, तो जदीदियत जो है 1930 में आई है, या 1874 का जो सारा किस्सा है ये वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के ज़ेरे असर है ये सारा, और 10 मुशायरों की रुदात जो है आरिफ साकिब लिख चुके हैं इस हवाले से। तो अब ये जो 1930 का मामला है जदीदियत, जो हम मॉडर्न इल्म की बात करते हैं, तो मुझे जो अल्लामा साहब नज़र आते हैं, यानी अगर हम ये कहते हैं तो अल्लामा साहब मुझे उर्दू शायरी के एज़रा पाउंड नज़र आते हैं। एज़रा पाउंड बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, एज़रा पाउंड के कैंटोज़ मशहूर हैं, अ डिवीज़न ऑफ लॉन्ग पोएम, तो उसके अंदर उनके उसकी शायरी पढ़ने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मुताले की ज़रूरत है। तो अल्लामा की जो शायरी है, गज़ल भी, अगर हम ये बात करें कि गज़ल के हवाले से, तो अल्लामा की सिर्फ तराकीब जो नहीं लिखी हैं उन्होंने, वो तराकीब जैसे फैज़ साहब की तराकीब पर काम हुआ है और उसके बाद हम समझने के काबिल हुए हैं, तो अल्लामा साहब की गज़लों की जो नई तराकीब हैं उसकी एक लुगत तैयार होनी चाहिए, और अगर वो लुगत तैयार नहीं होगी तो अल्लामा साहब का इबलाग उस तरह मुमकिन नहीं होगा। मैं अब अल्लामा साहब की एक आध दो गज़लें और सुनाई देता हूँ आपको, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त हो गया है ज़्यादा। हाँ, नहीं नहीं वक्त ज़्यादा हो गया फिर। अच्छा, फिर एक बात और वजाहत करूँ मैं कि अल्लामा साहब पर एक एमए का थीसिस मैं करा चुका हूँ इस हवाले से, और अल्लामा रशीद तुर्राबी में पीएचडी मैंने ही कराया है, समझ गया आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने कहा वजाहत भी कर दूँ, और क्योंकि है किसके दस्ते करम में मुहारे नाकाए जां। अब ये मुहारे नाकाए जां नई तरकीब है बिल्कुल, मुहारे नाकाए जां सफ़र का लुत्फ गमे हम सफ़र ने छीन लिया, सफ़र का लुत्फ गमे हम सफ़र ने छीन लिया, मैं अपनी रूह के ज़र्रे समेटता क्यों कर, ये खाक वो थी जिसे कूजागर ने छीन लिया, यह खाक वो थी जिसे कूजागर ने छीन लिया,
भटक रहे हैं जवानी के ना रसा लम्हात। अब कितना नाजुक ख्याल है, भटक रहे हैं जवानी के ना रसा लम्हात। बहुत से घर थे जिन्हें एक घर ने छीन लिया, बहुत से घर थे जिन्हें एक घर ने छीन लिया, जिन्हें एक घर ने छीन लिया। बकौल क्या छीन लिया, बहुत से घर थे बकौल गालिब दाना, गुजर ही जाती ये उम्र मगर इसे भी तेरे रह गुजर ने छीन लिया। हाँ अभी सुनाता हूँ। शिकार मतलब इसमें कहाँ है, जो हुनर ने छीन लिया। हाँ भाई मैं नज़र जो है ना वो गड़बड़ कर रही है। हाँ छीन लिया, ये बड़ा उम्दा मतलब है इनका। अच्छा जनाब, शिकारगाह शिकारी के खून से रंगी है, जमी का रिस्क किसी जानवर ने छीन लिया, जमी का रिस्क किसी जानवर ने छीन लिया। सफर की रूह था वो ज़ौके जस्तजू तालिब, जिसे चरागे सरे रह गुजर ने छीन लिया। दश्त को देख के घर याद आया, हमें यूसुफ का सफर याद आया। मैंने तलवार पे सर रखा था, यानी तलवार से सर याद आया, यानी तलवार से सर याद आया। वो तेरी कम सुखनी थी कि मुझे बात करने का हुनर याद आया। ए जमाने मेरे पहलू में ठहर, फिर सलामे पसे दरे यार दरे दर, फिर सलामे पसे दर याद आया। किसे उड़ते हुए देखा कि तुम्हें, अपना टूटा हुआ पर याद आया। आज मैं खुद से मिला हूँ तालिब, आज भूला हुआ घर। तो ये तालिब साहब अल्लामा साहब जो थे उनके पास हर सतह पर कमालात थे, और उनके पास सिर्फ फिजिकल पोएट्री नहीं है, उनके पास मेटाफिजिकल पोएट्री भी है। यानी सारा जो मामला है इनविजिबल का, सारा झगड़ा है यहाँ, विजिबल का कोई झगड़ा नहीं है। और हमें उनकी जो इनविजिबल के हवाले से एजम्पशंस हैं, नज़र ना आने वाली दुनिया जो है उनके यहाँ उनकी शायरी में भरी पड़ी हुई है, उसको डिकोड करना ज़रूरी है। और वो डिकोड जब ही होगी जब हम उनकी तराकीब पर गौर करेंगे और उस हवाले से काम करेंगे। तो बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इस उम्मीद पर कि अल्लामा इर्तिज़ा नकवी जो हैं अल्लामा साहब पर पीएचडी करेंगे और वो सफ में लग गए हैं, लाइन में लग गए हैं। बहुत शुक्रिया। यानी ये शादाब साहब ने ऐलान कर दिया है इर्तिज़ा अब्बास साहब की पीएचडी का, जो कि अब तक मख्फी थी लेकिन अब आया हो गया ये राज। अच्छा तो वो जो जिस शेर पर अल्लामा साहब से इनकी ताल्लुकात जो है उस्तवार हुए थे, वो शेर था कि तबखीर दिल ने दी है बुखारात की नवीद, सो हम गुबारे गिरिया को बादल समझते हैं। ये शादाब एहसानी साहब, लेकिन ये शादाब एहसानी साहब ने मुझे तकरीबन 30-35 साल पहले सुनाया था शेर, और मेरे हाफ़िज़े में ये महफूज रहा, लिहाजा यही एक शेर मैं अल्लामा साहब को सुना सका। जनाब सदर से कबल एक ख़ूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों की नज़र, और उसके बाद लज्जत काम व दहन का इंतज़ाम, और हम सब वहीं चलेंगे। मैं अल्लामा बाकर हुसैन जैदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब बाकर जैद, अल्लामा बाकर जैद। अब यहाँ आप अल्लामा पे क्लैपिंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायक़े हमदो सना है वो ज़ात के जिसकी नेमत से कोई महरूम नहीं और जिसकी रहमत से कोई मायूस नहीं। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आगाज़ में मैं आर्ट्स कौंसिल के अराकीन और ज़मीन ग्रुप का
शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस शहर पुराशोब में इस खूबसूरत महफिल का अहतमाम किया। ज़ाहिर है कि हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी की सवाल हयात के ऊपर तफसीली गुफ्तगु इर्तज़ा अब्बास नकवी साहब ने फरमाई और उनकी शायरी में गोशाए नज़्म का अहाता जनाब फ़िरासत रिज़वी साहब ने फरमाया। सदर मजलिस जनाब ताजदार हैदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी इजाज़त से मैं चंद कलमात हदिया करूँगा और वो इस सूरत में कि जैसा कि आपने समात किया कि हज़रत अल्लामा ने बच्चों के लिए नज़में लिखी, हाल ही के बाद अगर कहीं बच्चों की नज़में आपको मिलेंगी अहद हाज़िर में तो या तो नसीम अमरोही साहब ने लिखी या हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने लिखी। और ये काम सहूलत का नहीं है, जितना इंसान फितरत शनास होगा उतना वो फितरत की गहराई और रंगीनियों को मंजूम कर सकेगा। गज़ल से कसीदा, कसीदे से मरसिए का सफ़र, जहाँ ने अदब के अंदर अगर गज़ल कहना ही नहीं सीखी तो कसीदा कैसे कहेगा और कसीदा कहना नहीं सीखा तो मरसिया कैसे कहेगा। अल्लामा ने इस सफ़र को मुकम्मल मुकम्मल इख्तियार के साथ तय किया और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर अभी कोई तबसरा नहीं है, वक्त दरकार है और ये कई दहाइयों का सफ़र होगा कि अगर आप उनकी गज़लियात पर, उनके कसाइद पर, दो मरासी जो उन्होंने लिखे और उन मरासी को पेश निगाह रखें, वजूद बारी और हिदायत, अगर आप उन तमाम मामिर को पेश निगाह रखें तो उसके ऊपर एक दो बरस नहीं ढाइयाँ दरकार होंगी। लेकिन अच्छे लोग वही हैं कि जो असासे को महफूज करते हैं। जैसा कि मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा ने कहा कि असासा अगर महफूज हो जाए तो मुस्तकबल में आने वाले लोग उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, वरना चंद हाथों में महदूद रह जाए तो वो बंद कमरों के अंदर रह जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि उनके असासे को महफूज किया जाए और माशरे के अंदर उसको आम किया जाए। उनके गज़लियात के मजमूए के उनवानात पे बात हो रही थी, अगर आप पसे आफाक ही को पेश निगाह रखें तो कलमा पढ़ने वाला आसमान तक तो जाता है लेकिन पसे आसमान निगाह नहीं रख सकता। मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी जॉन एलिया का मकालमा हदिया करता हूँ। उन्होंने कहा था कि लोग जा तो रहे हैं आ नहीं रहे। अलमिया है, अभी हम अपने नौजवानों को, अपने तुलबा को ये भी नहीं समझा पा रहे कि मालूमात किसे कहते हैं और इल्म किसे कहते हैं। इस वक्त मालूमात के लोग तो आपको मिल जाएंगे लेकिन इल्म के लोग तलाश करना पड़ेंगे। अब जाहिर है कि यहाँ साहिबान इल्म फहमो ज़कात तशरीफ़ फरमा हैं, लपकुशाही तो नहीं करता लेकिन तीन मकालमे कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लामा ने सबसे बड़े अदब
कुरान का तर्जमा किया। तर्जमा आसान काम नहीं है, तर्जमा आसान काम नहीं है। तर्जमा मुतरज्जिम की कैफियत नफ्स का कास होता है, तर्जमा मुतरज्जिम की कैफियत नफ्स का अक्कास होता है। आप जब तर्जमा पढ़ेंगे आप उनकी कैफियत नफ्स से आगाही हासिल करेंगे और कैफियत नफ्स ही उसके दर्जाए इल्म का पता देती है, कैफियत नफ्स ही उसके दर्जाए इल्म का पता देती है। इल्म की तारीफ एक मकालमे में ये करता हूँ कि कलमा कोई जहलो इल्म नहीं होता, इंसान के नफ्स की कैफियत जहलो इल्म होती है। जबान पे जारी होने वाला कलमा अगर नफ्स पर इतलाक पजीर ना हो तो कैफियत नफ्स को जहल कहते हैं, और अगर वही कलमा नफ्स पर इतलाक पजीर हो जाए तो कैफियत नफ्स को इल्म कहते हैं। अल्लामा ने कलमात को नफ्स पर इतलाक पजीर किया है, अल्लामा ने कलमात को नफ्स पर इतलाक पजीर किया है, चाहे उनकी तहरीर हो, चाहे उनकी नज़में हों, चाहे उनकी गज़लियात हों, चाहे उनकी खिताबत हो। अगर आप उसको पेश निगाह रखें तो उन्होंने कलमात को नफ्स पर इतलाक पजीर किया है। वो बड़ी वसीउ नज़री के हामिल थे और उसकी जानिब भी तवज्जो रखनी चाहिए। जैसा कि आगाज़ के अंदर मोहतरमा ने इरशाद फरमाया कि हम मज़हबी शिकंजों के अंदर जकड़ गए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मसला ये है कि हम सरफ़ इस्तिलाहात से भी आगा नहीं, हम सरफ़ इस्तिलाहात से भी आगा नहीं। इस्लाम को हम दीन भी कहते हैं और इस्लाम को हम मज़हब भी कहते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि दीन में और मज़हब में फ़र्क क्या है, दीन में और मज़हब में फ़र्क क्या है। क़ुरान इस्लाम के लिए इस्तिलाह दीन सर्फ करता है, लेकिन इस्तिलाह मज़हब कहाँ से आई इसे भी तलाश करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ाने गिरामी, दीन और मज़हब में बुनियादी फ़र्क ये है कि दीन खुदा परस्ती का रास्ता है और मज़हब शख्सियत परस्ती का रास्ता है। दीन खुदा परस्ती का रास्ता है और मज़हब शख्सियत परस्ती का रास्ता है। करबला मज़हबी रास्ता नहीं है, करबला दीनी रास्ता है, करबला दीनी रास्ता है। मैं बड़े कुशादा दिली के साथ कहता हूँ कि मैदान खुला मुंतखब किया था, मैदान खुला मुंतखब किया था सैयदु शहदा ने, ताकि इंसान इंसान का नफ्स धोखे से निकल जाए। इसलिए उर्दू अदब में करबला का तस्करा गज़लियात में भी आएगा, ये नहीं कि हम उसको मरासी के अंदर महसूर करते हैं। इस वक्त मैं इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस मकालमे के साथ मैं रुख्सत चाहूँगा कि सैयदु शहदा ने खुले मैदान का इंतखाब इसलिए किया कि नफ्स इंसान धोखे से बरी हो जाए, वरना तो इंसान इसी उलझन में गिरफ्तार रहता कि इस्लाम तो दोनों तरफ था। यकीनन इस्लाम दोनों तरफ था, लेकिन तय ये कर लीजिए कि मज़हब कहाँ था और दीन कहाँ था। एक तरफ शख्सियत परस्त खड़े थे और एक तरफ खुदा परस्त खड़े थे। शख्सियत परस्ती के दायरे को यजीदियत कहते हैं और खुदा परस्ती के दायरे को हुसैनियत कहते हैं। जनाब अल्लामा बाकर ज़ैदी को आपने समाअत फरमाया और